students, this is C.A. Arpita Tulsian here. So today what we are going to learn is law amendments applicable for your November 2018 examinations. बहुत ज्यादा queries है among students की मैम कितने amendments है, क्या है, institute ने RTP भी निकाल दी है plus new material भी निकाल दिया है. How are we going to deal with the amendments? So here I am there for the amendments. अभी अमेंडमेंट्स के अंदर देर इज वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी पुट द अमेंडमेंट नोट्स ऑन आर वेबसाइट commerceeduworld.com. जिसके पास में हार्ड कॉपी है यू कैन जस्ट रेफर द हार्ड कॉपी. जिसके पास में नहीं है यू कैन सिंपली डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम आर वेबसाइट. मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज commerceeduworld.com. वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अभी नोट्स के अंदर बेसिकली हम क्या कवर करने वाला है. ये जो अमेंडमेंट्स है इसके अंदर अगर कोई भी अमेंडमेंट हुआ है अप टू 30th of April 2018, वो सारे अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे जो भी रेलेवेंट है फॉर योर November 2018 एग्जाम्स. एक तो वो चीज हो गई. सेकेंडली वी आर गोइंग टू कवर एक जो सेकेंड क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आ रही है, दैट इज वैल्यूएशन का क्या करें मैम. लास्ट टाइम तक सेक्शंस था प्लस कुछ प्रोविजंस ऑफ द रूल्स फ्रॉम द रूल्स था, वो करना है या फिर पूरा का पूरा रूल्स करना है. तो यस, आपके आईसीएआई ने अभी आरटीपी जो निकाला है उसके अंदर आईसीएआई ने आपके वैल्यूएशन के रूल्स भी डाल दिया है. तो आई एम गोइंग टू कवर दोज रूल्स ऑल्सो, वो भी हम करेंगे अभी. नाउ मैम, वॉट अबाउट द नोट्स. अभी आपके जो अमेंडमेंट्स है एक्सेप्ट फॉर वैल्यूएशन आर देयर इन द नोट्स विच इज ऑलरेडी देयर ऑन द वेबसाइट. सारे के सारे अमेंडमेंट्स आर देयर इन द नोट्स, तो आप वहां से कर सकते हो. प्लस मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स दूंगी ऑन वैल्यूएशन, हार्डली फ्यू पेजेस, 4-5 pages के मैं आपको नोट्स दूंगी वैल्यूएशन के लिए, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसका लेक्चर आपको यहां पे मिल जाएगा. ओके, सो बेसिकली अगर आपने ये वाला लेक्चर पूरा का पूरा देख लिया तो आपका फुल अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग वैल्यूएशन, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. ठीक है, एज आई हैव रिटर्न, मैंने ये जो अमेंडमेंट नोट्स दिए थे इसके स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था कि अगर, क्योंकि ये मेरे नोट्स बने थे बिफोर दी आरटीपी हैज कम, कि अगर आरटीपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसके लिए भी आई विल बी गिविंग यू द नोट्स एज वेल एज लेक्चर. सो योर आई एम विद द लेक्चर जिसके अंदर सब कुछ आपका कवर हो जाएगा. अभी जस्ट अ स्मॉल थिंग कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तब पहली बात तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका लॉ पढ़ के हो ही जाना चाहिए, कि आपका लॉ रिवाइज करके हो ही जाना चाहिए. मैक्सिमम जगह पे स्टैंड अलोन प्रोविजंस है, सो यू कैन जस्ट रिकलेक्ट अ फ्यू प्रोविजंस एंड देन यू कैन जस्ट इनकॉर्पोरेट द अमेंडमेंट्स इन योर बुक. ओके, सो नथिंग टू वरी. दूसरा कि मैम बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, इजी है, टफ है, क्या है, तो लेट मी टेल यू, जो भी अमेंडमेंट्स आए सारे के सारे बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है, नथिंग टू वरी. ये लेक्चर ध्यान से सुन लो, जिसके अंदर हम रिवीजन भी करने वाले हैं, इसको ध्यान से सुन लो, आपका पूरा का पूरा अमेंडमेंट यहीं का यहीं कंप्लीट हो जाएगा. ओके, एंड अगर आपको आपके कन्वीनियंस के लिए चाहिए, जिसके पास में हार्ड कॉपी नहीं है, यू कैन जस्ट डाउनलोड द नोट्स एंड गेट देम प्रिंटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स नाउ. नेक्स्ट थिंग, वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, हम ये जो अमेंडमेंट्स करने वाले हैं दीज आर फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स. दोनों स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं. जस्ट द डिफरेंस जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इफ यू टॉक अबाउट कंपनी लॉ न्यू कोर्स स्टूडेंट्स को फर्स्ट दो चैप्टर्स नहीं है उनके सिलेबस में, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द अदर वन इज अकाउंट्स एंड ऑडिट. तो न्यू कोर्स स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये चैप्टर आपको देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. हाँ, ऑडिट पर्पज के लिए अगर आपको देखना है, ऑडिट पेपर के लिए अगर आपको देखना है, तो येस मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हो. नेक्स्ट, बाकी सारे चैप्टर्स आर कॉमन इन कंपनी लॉ. When we go to allied laws and economic laws, तो वहां पे economic laws में you have some extra acts, that is your arbitration and conciliation act है, फिर foreign contribution regulation act है. ये वाले जो act है, जो आपको extra है, new course वालों को जो extra है, इसके अंदर there are no amendments at all. ठीक है, अब जो बाकी रह गया हमारा IBC है, then we have PMLA, which are the common topics, इसके अंदर amendments है. तो ये वाला portion जो allied law and economic law में जो common है, इसका video आप सबको देखना है, beat a new course student और beat a old course student. इसके अलावा आपको और कुछ कहीं से भी refer करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इनिशियली हम वही चैप्टर से चालू कर लेते हैं विच इज कॉमन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू कोर्स. उसके बाद में जो भी अनकॉमन पार्ट है वी विल कवर अप दैट. So please come to page number 11 on our amendment notes. Let's start with the chapter. Amendments करते हैं. Directors वाला chapter है जो new course वालों के लिए, it is the first chapter in company law. Old course वालों के लिए, it is the third chapter. ये जो भी मैं sequence बोल रही हूँ, this is as per the ICAI module because we strictly follow that. Let's start with this appointment and qualification of director.
सेक्शन 152, इन सेक्शन 152 देयर हैज बीन अ चेंज. ओके, अगेन बिफोर वी स्टार्ट, जो भी ये स्क्रीन पे देख रहे हो आप, जो भी लिखा हुआ है, जो भी नोट्स चल रहे हैं, उसमें जो भी पोर्शन ग्रीन में लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, बिकॉज वॉट एवर वी हैव रिटर्न इन ग्रीन आर दी अमेंडमेंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सेक्शन 152, द हेडिंग इज डिन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. वी ऑल हैव स्टडीड बिफोर दैट अगर कोई भी पर्सन को डायरेक्टर बोल के अपॉइंट होना है तो दैट पर्सन शुड हैव अ डिन. दैट पर्सन बिफोर अपॉइंटमेंट शुड हैव अ डिन. नाउ वॉट इज द अमेंडमेंट इन दिस मैम? द अमेंडमेंट इन दिस इज no person shall be appointed as a director unless he is having din. This was the existing provision and now they have inserted the words no person shall be appointed as a director unless he is having a din or any such number prescribed by the central government. This is the new wordings. These are the new wordings which has been added. Check karo kya likha hua hai green mein. Or any other number as may be prescribed under section 153. And 153 we are just going to do in the second point. Okay. So, to be appointed as a director, you should be having a DIN. Or any other number which is prescribed under section 153. So, jahan pe bhi aisa aa raha hai ki so and so person should have the requirement of having a DIN, wahan pe you have to add the words or any other number prescribed under section 153. Okay. So, I hope this amendment is very clear with you. This is a very simple amendment given here. Second point, proviso to section 153, application for allotment of DIN. This is a new proviso. Kaise samjha mujhe ki this is a new proviso? Just check the first line. The following proviso shall be inserted. The entire paragraph has been inserted. Now, provided that the CG may prescribe any identification number, they are hinting, they are giving you a hint that this is a DIN number, which shall be treated as DIN for the purpose of this act, and in case any individual holds or acquires such number, then the requirement of this section shall not apply. I am reading it again. Provided that CG may prescribe any identification number, which shall be treated as DIN. Means they are not exactly talking about DIN, they are talking about the other number which is to be treated or which can be used in place of DIN. Okay, and this is prescribed by the central government. And once you have this other number, the other identification number, it will be assumed as if you are having a proper DIN. So, having the other number is purely valid. Let's go to the next one. Acha, one more thing, ek aur cheez. एवरी पॉइंट के बाद में अगर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अमेंडमेंट टू बी डन ऑन सो एंड सो पेज नंबर्स. आफ्टर एवरी पैराग्राफ और एवरी पॉइंट आई हैव रिटन दिस. दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव माय हैंड रिटन बुक. हैंड रिटन बुक के अंदर आपको कौन से पेज पे जाके अमेंडमेंट का इफेक्ट आएगा, मैंने वो पेज नंबर का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन. Proviso to section 160 subsection 1, right of persons other than retiring directors to stand for directorship. अभी हमने ये सेक्शन किया था सेक्शन 160, जहां पे अगर कोई बाहर वाला पर्सन है, टोटली कोई अंदर रोटेशन वगैरह नहीं हो रहा, कोई बाहर वाला पर्सन है, उसको आके डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपको कुछ तो ऐसा याद होगा दैट ही हैज टू गिव 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट एंड देन इफ दैट पर्सन विन्स, अगर वो जीत जाता है, उसको डायरेक्टरशिप मिल जाती है, तो उसको 1 लाख रुपीज रिफंड हो जाएगा, या फिर जहां पर उसको एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज से ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो केस में भी रिफंड हो जाएगा. लेकिन अगर बुरी तरह हार गया, मतलब लेस देन दैट परसेंटेज, तो फिर द मनी इज टोटली नॉन रिफंडेबल. ये वो वाले सेक्शन के अंदर का प्रोविजन है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वापस से मैंने ग्रीन में लिखा है न्यू प्रोविजन, मतलब दिस इज अ न्यू प्रोविजन विच इज टू बी एडेड देयर. प्रोवाइडेड दैट अ वेरी गुड अमेंडमेंट, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर एग्जाम. Provided that requirement of deposit of amount shall not apply, they are talking about that 1 lakh rupees, this shall not apply in case of appointment of independent director. Suppose if you are taking the applications in the place of independent director, then that 1 lakh rupees ka requirement is not necessary. Or a director who is recommended by the nomination and remuneration committee. बट अभी एक डाउट आना चाहिए कि मैम नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी हर जगह पे तो नहीं चाहिए होती है, तो उन्होंने बोल दिया जो भी कंपनीज में नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड, इन दैट केस द नेम विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो वाले एप्लीकेशन के लिए द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज इज नॉट नेसेसरी. सो द सेम थिंग इज रिटन देयर, डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय द नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी इफ एनी, और डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय द बीओडी ऑफ द कंपनी इन केस द कंपनी इज नॉट हैविंग द अर्लियर कमिटी, दैट इज नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस न्यू अमेंडमेंट? सेक्शन 160 के अंदर जहां पे 1 लाख रुपीज के डिपॉजिट की जरूरत थी, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर
2 to 3 special cases. First one, when we are appointing an independent director, and the second point, if the director's name is already recommended by the nomination and remuneration committee, then also the requirement of 1 lakh is not applicable. In case the company is not required to form a committee called as nomination and remuneration committee, in that case, if the name is recommended by the board of directors, in that case, 1 lakh rupees deposit is again not necessary. This is a very important amendment. You can expect this one in your exam. Next, section 161, subsection 2. A very simple section again. You can easily recollect this, appointment of alternate director. Alternate director kab appoint hota hai, agar aapko yaad hoga toh, jab existing director jo company ke andar hai, he is going outside India for a period of more than or equal to 3 months. In that case, an alternate director is appointed. Abhi agar aapko aisa kuch yaad hoga, a single director or a single person cannot hold alternate directorship for more than one director. मतलब अगर मैं ऑलरेडी किसी के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर हूं तो मैं एक सेकंड पर्सन के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रह सकती. ये पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एक और चीज जो उन्होंने अभी इसके अंदर इंसर्ट किया जो आपको ग्रीन के अंदर दिख रहा होगा, सपोज इफ आई एम ऑलरेडी अ नॉर्मल डायरेक्टर इन दिस कंपनी, मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इन दिस कंपनी, मेरा एक फ्रेंड है हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन द सेम कंपनी. नाउ दैट फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड, वो बाहर जा रहा है फॉर से 6 months. So he wishes to appoint an alternate director in his place. In that case, I am the already existing director of this company. I cannot be a normal director as well as an alternate director for the other person. मतलब अगर मैं इस कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हूं तो मैं डायरेक्टर ही रह सकती हूं, मैं किसी के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकती. एम आई वेरी क्लियर विद दिस? ठीक है. नेक्स्ट, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी था सेक्शन 161 सबसेक्शन 4. इसके अंदर पहले बताओ, अगर आप एक्ट जाके चेक करोगे तो उसके अंदर जहां पे भी ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा था, स्टार्टिंग में उन्होंने दे दिया था इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. मतलब द प्रोविजंस वर एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पब्लिक कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रिमूव्ड दोज लाइंस, मतलब इंडिकेटिंग दैट दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज. अभी इसमें क्या बोला इन लोगों ने, जब भी कैजुअल वैकेंसी में कोई डायरेक्टर इज गोइंग आउट, मतलब ही रिजाइन्स बिफोर हिज टेन्योर गेट्स कंप्लीटेड, तो द कैजुअल वैकेंसी, ये आपको ऑलरेडी पता है, द कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड बाय द बीओडी. ठीक है. अभी उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, कैजुअल वैकेंसी बीओडी को तो फिल करना है, बट दिस फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग. दीज आर द न्यू वर्ड विच हैव बीन एडेड देयर. चेक करो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच शैल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग. जिस दिन पे भी बोर्ड ने कैजुअल वैकेंसी फिल किया होगा, उसके बाद में जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग आने वाली है, बीट एजीएम और बीट ईजीएम, उसके अंदर इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, सेक्शन 165 वॉज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, की मतलब एक पर्सन कितने कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है. अगर आपको याद होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वेयर 20, नंबर ऑफ कंपनीज वेयर 20, उसके अंदर कुछ दो बाइफर्केशन किया हुआ था, मैक्सिमम 10 हो सकता है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर. ठीक है. अभी हमें वो 10 के क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं जाना, वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप इन मैक्सिमम 20 कंपनीज. एक्सप्लेनेशन क्या लाया है इसके अंदर, न्यू पॉइंट, दैट इज ये 20 के अंदर डोमेंट कंपनी के अंदर इफ यू आर अ डायरेक्टर तो दैट डायरेक्टरशिप विल नॉट बी काउंटेड. एंड दिस इज वेरी लॉजिकल बिकॉज डोमेंट कंपनी सच अ कंपनी जिसके अंदर देर इज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. तो इफ आई एम अ डायरेक्टर, सपोज मैं नॉर्मल 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हूं प्लस मैं एक डोमेंट कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हूं, तो ऑब्वियसली वहां पे इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ आई एम फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन बिकॉज दैट वन डायरेक्टरशिप इन डोमेंट कंपनी इज नॉट टू बी काउंटेड. ओके. नेक्स्ट, सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. अभी इसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने ये सेक्शन लाया है फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर आपको कुछ याद होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक पर्टिकुलर टर्म होता है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टर्म दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड. नाउ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रीअपॉइंटमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आफ्टर द सेकेंड टर्म. मतलब ऑलरेडी फर्स्ट टर्म हो चुका है, सेकेंड टर्म चालू हो गया, अब रिमूवल की उन लोग बात कर रहे हैं. तो चेक करो क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म अंडर सो एंड सो सेक्शन शैल बी रिमूव्ड बाय द कंपनी ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर गिविंग, दिस इज वेरी ऑब्वियस, आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंसर्न्ड डायरेक्टर.
सो बेसिकली अगर आप उनको उनके सेकेंड टर्म में निकाल रहे हो सेकेंड टर्म में निकाल रहे हो तो आपके कंपनी को एसआर पास करके ही यू कैन रिमूव एंड ओनली आफ्टर गिविंग अ आरओबीएच टू दैट पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स इन द डायरेक्टर्स चैप्टर. इतने से अमेंडमेंट्स थे सर. ओके, सेवन पॉइंट्स, लेट्स रिवाइज दी सेवन पॉइंट्स. सबसे पहले हमने सेक्शन 152 किया. 152 के अंदर आपको नोट्स नहीं देखना है, मैं अगर सेक्शन बोलूं तो आपको याद आना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट था उसके अंदर. सेक्शन 152 वाज टॉकिंग अबाउट जहां पे डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए डिन चाहिए रहता है. उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ गया था कि डिन भी चल सकता है या फिर एनी अदर नंबर विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153. नेक्स्ट हमने प्रोवाइजो पढ़ा 153 का, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि सीजी कोई भी ऐसे आइडेंटिफिकेशन नंबर को प्रिस्क्राइब कर सकता है विच शैल बी यूज इन प्लेस ऑफ डिन एंड इफ यू आर हैविंग दिस अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन. ओके, नेक्स्ट वन थर्ड वाला जो था दैट वॉज सेक्शन 160, वो 1,00,000 रुपए डिपॉजिट वाला. दैट 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस वी आर अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वेन द डायरेक्टर्स नेम इज रिकमेंडेड बाय द नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमिटी या फिर जो कंपनी के अंदर नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी नहीं है वहां पे द नेम हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ऑल्टरनेट डायरेक्टर में जो नया पॉइंट आया दैट वॉज वॉट ऑल्टरनेट डायरेक्टर वॉज कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कैनॉट होल्ड द ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर. नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट के अंदर वी स्टडीड अबाउट कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी हैज टू बी, पहली बात तो उसके अंदर पब्लिक कंपनी वर्ड हट गया था. नेक्स्ट अगर कैजुअल वैकेंसी है विच इज फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दैट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग. नेक्स्ट सिक्स वाला पॉइंट हमने बात किया अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 जो था 20 के अंदर कौन सा कंपनी का डायरेक्टरशिप इंक्लूड नहीं होता एंड दैट इज डोरमेंट कंपनी. एंड लास्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, किसका स्पेसिफिक रिमूवल का बात किया था अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म में जब बाहर निकाल रहा है तब इट कैन बी रिमूव ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. वेरी सिंपल. नेक्स्ट चैप्टर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स. इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये भी, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स. क्या लिखा हुआ है उसके अंदर चेक करो. सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, 180 वॉज टॉकिंग अबाउट द बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी. कितना बोरो कर सकते हैं अगर आपको याद होगा उन्होंने बोला था अमाउंट ऑलरेडी बोरोड प्लस अमाउंट टू बी बोरोड इफ दैट अमाउंट इज मोर देन द एग्रीगेट ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व, ऐसा कुछ था. ठीक है, अगर इतने से ऊपर चला गया तो यू नीड टू टेक स्पेसिफिक परमिशन. अभी उन्होंने खाली एक छोटा सा चेंज किया यहाँ पे. इसके ऊपर आपको मॉड्यूल वगैरह के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे. ठीक है, उसके अंदर क्या चेंज करना है, जहां पे भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आ रहा है वहां पे उन्होंने एक और रिजर्व ऐड कर दिया एंड दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. मतलब दे हैव कंसीडर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन. तो जब भी आप इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब प्लीज कंसिडर सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो. नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर. डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, इफ सपोज डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट तो इट इज द लाइबिलिटी और इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्टर टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट. अगर नहीं किया तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट का पेनल्टी वगैरह आ रहा था, वो पेनल्टी में उन्होंने चेंजेस कर दिया. जो इम्प्रिजनमेंट पहले था अप टू 1 ईयर दैट रिमेन्स द सेम, लेकिन पहले जो मॉनिटरी पेनल्टी वाला अमाउंट था उसके अंदर एक रेंज हुआ करता था, वो रेंज को हटा के उन्होंने लिख दिया वहां पे अप टू रूपीज 1,00,000, मतलब मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज तक जा सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. ठीक है, तो जो पहले रेंज था उसकी जगह पे दे हैव पुट नाउ अप टू रूपीज 1,00,000. नेक्स्ट सेक्शन 184 सबसेक्शन 5. सेक्शन 184 सबसेक्शन 5 के अंदर हेडिंग चेक कर लो. सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर नॉन एप्लीकेबिलिटी देयर ऑफ. डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर नॉन एप्लीकेबिलिटी देयर ऑफ, हेडिंग इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, नीचे लिखा नॉन एप्लीकेबिलिटी. मतलब ये कोई ऐसा सर्कमस्टांस है जहां पे डायरेक्टर को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. तो क्या बोलने का कोशिश किया वहां पे, जब आप ए एंड बी पॉइंट पूरा पढ़ोगे तब यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि सपोज इफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द अदर कंपनी एंड ये कंपनी का कोई डायरेक्टर या फिर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ दिस वन पर्टिकुलर कंपनी आर होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, सो दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर और द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स नीड नॉट डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इनका होल्डिंग इज लेस देन और इक्वल टू 2%. वेरी क्लियर विद दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा
कभी भी अगर कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस एंटर करना है एंड इफ देयर इज अ मीटिंग हेल्ड फॉर यू नो फॉर रिलेटिंग टू दोज ट्रांजैक्शन, तो वो वाले ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पार्टी कैन नॉट वोट, रिलेटेड पार्टी वोट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारा कंपनी ऐसा है, एग्जाम्पल हमारा कंपनी ऐसा है जिसके अंदर 90% आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 90% और मोर मेंबर्स, अगर आप नंबर्स में कैलकुलेट करोगे तो दोज आर द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, जो प्रमोटर है उसी के रिलेटिव है या फिर उतने ज्यादा आपके रिलेटेड पार्टीज है, तो वो केस में कैन वी रेस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ दीज मेंबर्स? वी कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट। रीजन, क्योंकि हमारे कंपनी में अगर सपोज 100 मेंबर्स है तो उसमें 90% या फिर उससे ज्यादा आर ऑलरेडी आइदर द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर्स और दे आर द रिलेटेड पार्टीज। तो अगर हम लोग इन्हीं को वोटिंग से रोक रहे हैं, इफ वी आर रिस्ट्रेनिंग दीज पीपल फ्रॉम वोटिंग, देन ये ट्रांजेक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता बिकॉज देयर विल बी नो वोट, ठीक है। तो जो भी कंपनी में 90% और मोर आपके शेयर्स आर हेल्ड by the relatives of the promoter or by the related parties, in that case even the related parties will have a right to vote. This was applicable with effect from 9th February 2008. Special case hai, 90% yaad rakhna. Next, section 188 subsection 3, consequences of contravention of section 188(1). कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन मतलब जहां पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर हुआ है लेकिन प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं किया है या फिर इट वॉज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और द मेंबर्स एज द केस में भी, देन इन दैट केस उन्होंने क्या बोला यहाँ पे चेक करो। सपोज अगर आप कंसेंट वगैरह नहीं लेते हो तो ये पहले वाला रूल था, पहले वाला प्रोविजन था कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन में एंटर किया है दैट ट्रांजेक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। Voidable at the option of the board मतलब if board now considers it okay कि मतलब ठीक है हमारा approval नहीं लिया but that is okay and we now ratify it तो the transaction will be treated as valid। तो यहाँ पे उन्होंने खाली एक छोटा सा correction किया है, basically insertion किया है जहाँ पे they are telling there are a few transactions जिसके लिए BOD के approval से काम हो जाता है, वहां पे अगर आपने BOD का approval नहीं लिया तो the transaction will be voidable at the option of the BOD। But there are a certain transaction above a particular limit where the approval of shareholders is required. If approval of shareholders is required and if that was not taken, then the transaction becomes voidable at the option of the shareholders. Earlier there was a word only called as voidable at the option of the board. Abhi respective kar diya, board ka approval nahi liya to voidable at the option of board, shareholders ka approval nahi liya to voidable at the option of the shareholders. Next, सेक्शन 194-195 जो आपका पहले हुआ करता था फॉरवर्ड डीलिंग्स के ऊपर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर, दोनों सेक्शन यहां से निकाल दिए, निकाल के उन्होंने उसको सेबी के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज टू बी टोटली ओमिटेड। हो गया 7 पॉइंट्स अगेन फटाफट, क्या क्या था 7 पॉइंट्स अमेंडमेंट के अंदर? सबसे पहले हमने बोरिंग पावर्स का बात किया था जिसके अंदर आपका जो लिस्ट था उसके अंदर कुछ और एड हो गया था, क्या एड हो गया था वहां पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस, जहां पे भी पेड अप शेयर कैपिटल था प्लस फ्री रिजर्व था प्लस अभी वहां पे नया आ जाएगा इस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकेंड पॉइंट जो आपने पढ़ा था जहां पे डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया था वेर ही वॉज सपोज टू डू सो, वहां पे जो रेंज ऑफ पेनल्टी था वो हट के अभी वहां पे हो गया अप टू ₹1,00,000। नेक्स्ट थर्ड हमने बात किया था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, जहां पे दिस वन कंपनी इज एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट अनदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एंड डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी टूगेदर विद अदर डायरेक्टर्स होल्ड लेस देन और इक्वल टू 2% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी, तो डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। देन फोर्थ वाला पॉइंट हमने पढ़ा था जहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वहां पे यूजुअली रिलेटेड पार्टी वोट नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं एंड मेरे कंपनी में मोर देन और इक्वल टू 90% ऑफ द मेंबर्स इन नंबर आर ऑलरेडी रिलेटेड पार्टीज और दे आर रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर्स, इन दैट केस वी कैनॉट स्टॉप देम फ्रॉम वोटिंग, मीन्स इवन द रिलेटेड पार्टीज विल बी वोटिंग इन द मीटिंग। नेक्स्ट हमने बात किया जहां पे हम 188(1) जहां पे वी वे सपोज टू टेक रिक्वायर्ड अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड या फिर फ्रॉम द शेयर होल्डर, हमने वो नहीं लिया तो द ट्रांजेक्शन बिकम्स वॉइडेबल रिस्पेक्टिवली। बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लिया तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला तो दो सेक्शन बहुत सिंपल था, 194 एंड 195, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फॉरवर्ड डीलिंग टोटली उन्होंने डिलीट कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोर्ड मीटिंग्स वाला चैप्टर का अमेंडमेंट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन न्यू चैप्टर। इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 223 के अंदर। पहली बात तो इसके अंदर सीजी है, आरओसी है, अगर उनको कहीं पे भी लगता है तो दे अपॉइंट दी
इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. अब ये इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट जाके सबमिट कर देगा टू द अथॉरिटी, आरओसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको भी जाके सबमिट करना है वो रिपोर्ट विल बी सबमिटेड. अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है इसके अंदर, अगर कोई भी पर्सन है, से फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ द कंपनी है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, और एनी पर्सन हुज राइट्स आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, इंस्पेक्शन से मुझे फर्क पड़ने वाला है, या फिर कोई शेयर होल्डर को फर्क पड़ने वाला है, या फिर कोई क्रेडिटर को फर्क पड़ने वाला है, तो दीज पीपल कैन गो एंड अप्लाई फॉर द कॉपी ऑफ द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट. दिस इज द न्यू पॉइंट दैट दे हैव एडेड हियर. अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट मेड अंडर सो एंड सो सेक्शन मे बी ऑब्टेन्ड बाय मेंबर्स, क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन हुज इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन. दे विल गो एंड मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट. Very simple. Next, compromises, arrangements and amalgamation. इसमें मैंने एक अमेंडमेंट लिखा है, लेकिन ये अमेंडमेंट ये वाले अटेम्प्ट का नहीं है, ये पहले का था, जहां पे एक सेक्शन था परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग. माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग मतलब डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स का बात नहीं कर रहे हम. सपोज एक ऐसा कोई ग्रुप है जिनके पास में ग्रुप, या तो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है या फिर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है जिनके पास में ऑलरेडी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी है. से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास में ऑलरेडी 95% शेयर्स है, ठीक है. अभी उनको जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है जिसके पास में 5% शेयर्स आर केप्ट, उनको जाके दे विल मेक एन ऑफर दैट वी विश टू परचेज योर शेयर्स, ठीक है. यहां पे द कॉम्पनसेशन और द कंसिडरेशन इज पेड बाय द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग. तो उन्होंने उसके लिए जो सेक्शन है सेक्शन 236 उसके अंदर उन्होंने खाली कुछ वर्डिंग्स में चेंज किया है. उन्होंने बोला जहां पे भी सेक्शन के अंदर ट्रांसफरर कंपनी आता है, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दैट कंपनी हुज शेयर्स आर बींग ट्रांसफर. दैट्स इट. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर खाली, या फिर आप ये वाला चैप्टर बोल सकते हो, या फिर मिसलेनियस प्रोविजन, इसके अंदर सेक्शन 247 के अंदर खाली अमेंडमेंट आया है विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन. लेकिन वैल्यूएशन हम अभी नहीं करने वाले, वैल्यूएशन हम लास्ट में करेंगे, बिकॉज मेरे को उसका आपको रूल्स भी करवाना है, ठीक है. तो फॉर द टाइमिंग वी आर लीविंग दिस सेक्शन, सेक्शन 247, बिकॉज दिस हैज टू बी डन एट द एंड. Come to the next one. Companies incorporated outside India. बहुत simple chapter है, छोटा सा chapter है, लेकिन उसके अंदर amendments हो गए हैं. सबसे पहले ये जो act है अपना companies act, ये chapter के अंदर हमने क्या पढ़ा था, this act is applicable to all the foreign companies. Foreign company का definition कुछ ऐसा था, the company which is incorporated outside India but has a place of business in India, या फिर share transfer office in India, etc. ठीक है. तो ना अभी उन्होंने खाली इसके अंदर इतना बोला है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर नॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द फॉरेन कंपनीज, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऐसा कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आता है, तो दैट हैज टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट एंड दैट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. सो बेसिकली ये वाला जो अमेंडमेंट आया, दिस इज गिविंग एग्जेम्पशन दैट सीजी माइट गिव एग्जेम्पशन टू सर्टन कंपनी और सर्टन क्लास ऑफ companies. Next, second one, section 384 subsection 2, applicability of CSR on foreign companies. उन्होंने बोले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि CSR जो नॉर्मल इंडियन कंपनीज को अब तक अवेलेबल था, या फिर जो प्रोविजंस उनको एप्लीकेबल थे, दीज आर नाउ एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज हु आर हैविंग देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. इनको भी CSR एक्टिविटीज और CSR सेक्शन इज एप्लीकेबल नाउ, बट सब्जेक्ट टू सम चेंजेस. ऐसा नहीं कि CSR पूरा जो हमने 135 सेक्शन पढ़ा था फुल्ली इट इज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू सम चेंजेस. अभी लीगल लैंग्वेज में मैम एग्जाम में चेंजेस नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस और एडेप्टेशंस. चेंज की जगह पे विल बी यूजिंग सम लीगल लैंग्वेज, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस और एडेप्टेशन. सब्जेक्ट टू दीज थिंग्स आपका सीएसआर वाला पूरा सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनीज. नेक्स्ट, सेक्शन 391, ये पहले भी था, लास्ट टाइम का अमेंडमेंट है. सेक्शन 391 सबसेक्शन 2, एप्लीकेशन ऑफ सो एंड सो सेक्शन एंड चैप्टर 20. चैप्टर 20 टॉक्स अबाउट लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. अभी उन्होंने यहां पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सपोज कोई फॉरेन कंपनी है जिसने इंडिया में पैसा रेज किया है, ठीक है, बीड बाय अ फॉरेन सिक्योरिटी और बीड बाय एन इंडियन सिक्योरिटी, इंडिया में पैसा रेज कर लिया एंड दैट मनी इज नाउ ड्यू फॉर रिडेम्पशन, बट ये फॉरेन कंपनी ने अब तक वो रिडेम्पशन वाला अमाउंट को पे नहीं किया, मीन्स द अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. इन दैट केस अगर ये फॉरेन कंपनी सोचता है काम करता है हम हमारा यहां इंडिया वाला बिजनेस बंद कर देता है, तो यहां पे कंपनीज एक्ट आके बोलता है आप इतने आसानी से बाहर नहीं जा सकते.
अगर इंडिया में शेयर होल्डर्स का पैसा ड्यू है, सिक्योरिटी होल्डर्स का पैसा ड्यू है, तो अगर आपको बंद करने का है तो द प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग अप चैप्टर 20 विल बी एप्लीकेबल टू यू. मतलब वहां पे लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट होंगे, आपके एसेट्स वगैरह सेल किए जाएंगे, पहले जो इंडिया में लाइबिलिटी खड़ी की है वो लाइबिलिटी को पे करो, उसके बाद ही आपका वाइंडिंग अप होगा. ठीक है, दिस इज नॉट ये बार का अमेंडमेंट, ये पहले का अमेंडमेंट. ठीक है, लेकिन खाली इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको याद रखना है, दैट इज द अमाउंट विच इज नॉट बीन रिडीम्ड और द अमाउंट विच इज नॉट बीन रिपीड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेन कंपनीज वाला चैप्टर. तीन अमेंडमेंट आए थे. क्या तीन अमेंडमेंट आए थे? सबसे पहले हर फॉरेन कंपनी को ये एप्लीकेबल है. एक्सेप्शन में सीजी कैन प्रोवाइड सम एग्जेम्पशन टू अ पर्टिकुलर कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज. इट हैज टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट. प्लस एक और क्या पॉइंट आया था वहां पे, दैट इट हैज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट जो पड़ा था, सीएसआर इनको एप्लीकेबल है सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस और एडाप्टेशन. लास्ट वाला, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, अभी उसको वो बंद करने का. अगर सपोज इंडिया से कुछ पैसा रेज किया एंड इफ दैट मनी हैज नॉट बीन रीपेड और रिडीम, तो वो करने से पहले अगर आपको बंद करने का है तो द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 20 शैल अप्लाई टू यू. नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है जो लास्ट टाइम के पेपर में छाया हुआ था, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी. लेट्स स्टार्ट विद दिस. तीन ही अमेंडमेंट है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है. अगर आपको याद होगा, सबसे पहले तो एनसीएलटी एनसीएलएटी के अंदर कुछ मेंबर्स का उन लोग बात करते थे. अगर आपको याद होगा तो दे वे टॉकिंग अबाउट चेयरपर्सन, देन प्रेसिडेंट, देन जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स. ठीक है, तो उसी के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है. टेक्निकल मेंबर्स के क्वालिफिकेशन के अंदर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया है. फर्स्ट वाला हेडिंग चेक करो, क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एनसीएलटी. नेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन, आप चेक करोगे नीचे, क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल, मतलब क्वालिफिकेशन किसका अभी बोल रहा हूं ना, टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलएटी. ठीक है, पढ़ते हैं एक एक फटाफट क्या बोला यहां पे, चेक करो. सबसे पहले एनसीएलटी के टेक्निकल मेंबर का पढ़ लेते हैं. उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे पहले 15 years आपको अगर दिख रहा होगा वहां पे, दैट पर्सन हैज बीन अ मेंबर ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस, एंड ये तक तो था ही ऑलरेडी, एंड ही हैज बीन होल्डिंग द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है विच ही हैज टू फुलफिल. नेक्स्ट, ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर मोर देन इक्वल टू 15 years, या फिर सीएस है प्रैक्टिस में मोर देन इक्वल टू 15 years, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस फॉर मोर देन इक्वल टू 15 years. ये पॉइंट आपके पहले से कवर्ड थे. उसके बाद में ई वाला पॉइंट, दैट पर्सन हैज टू बी अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. उसकी पूरी तारीफ कर दी है. ठीक है, कौन से फील्ड में रहना चाहिए, कितने ईयर्स के लिए रहना चाहिए, ईयर्स आपको वहां पे दिख रहा होगा, मोर देन और इक्वल टू 15 years, एंड कौन से फील्ड में होना चाहिए वो वहां पे लिखा हुआ है. ये पॉइंट वापस से रिपीट होगा तो यहीं पे याद कर लो. इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटेंसी. वापस है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटेंसी. नेक्स्ट उन्होंने बोला, ये पहले वाला ही पॉइंट है, दैट पर्सन हैज बीन 5 years से ही हैज बीन अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ डिफरेंट एक्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. तो ये बेसिकली उसके पास में 6 points है, 6 में से उसके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन अगर हो गया तो दिस पर्सन कैन एक्ट एज अ टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी. तो जो अमेंडमेंट आया था वो कहां पे आया था, फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर उन्होंने एड कर दिया, दैट पर्सन हैज बीन होल्डिंग अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ई वाला पॉइंट के अंदर नया पॉइंट डाला है कि 15 साल का नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ 15 years और मोर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटेंसी. सो दिस वॉज द अमेंडमेंट इन क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी. अभी ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल हो जाएगा. क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल मेंबर ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलएटी का उन लोग अभी बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बोला है चेक करो. पहले तो फर्स्ट लाइन, पॉइंट फॉर टेक्निकल मेंबर टू बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब अगर आपने पहले कोई भी क्वालिफिकेशन पढ़ा होगा ऑफ टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलएटी, उसको पूरा काट के आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना है. ठीक है, एंड ये बहुत सिंपल है, चेक करो क्या बोला है. पहली बात तो आपको वर्डिंग्स पूरे के पूरे सेम दिखेंगे, एबिलिटी, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा. 15 इयर्स की जगह पे विल सी 25 इयर्स, बाकी फील्ड्स रिमेन्स द सेम. इसके लिए मैंने आपको बोला था पॉइंट नंबर 1 में, इसको पढ़ लो क्या क्या फील्ड्स आने वाला है वहां पे. अभी इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट,
इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटेंसी, फर्क कितना हो गया वहां पे 15 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे एटलीस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लास्ट अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर सेक्शन 412 सबसेक्शन 2 एंड 2A सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल, उनके सिलेक्शन का बात कर रहे हैं। चेक कर उन्होंने क्या बोला है, 412 के अंदर जो सबसेक्शन 2 था उसको टोटली सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करके क्या डालना है, द मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलएटी, मतलब पहले तो दोनों मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल फिर सर में ओनली टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलएटी शैल बी अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ, वो सिलेक्शन कमिटी के अंदर कौन कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी, दैट पर्सन विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। सेकेंड उन्होंने बोला है सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दिस पर्सन विल एक्ट एज अ मेंबर। फिर सेक्रेटरी ऑफ एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट पर्सन विल एक्ट एज अ मेंबर, एंड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस, इवन दिस पर्सन विल एक्ट एज अ मेंबर। ये सब जो चेयरपर्सन है मेंबर ये कौन से कमिटी की है, ये सब चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। द मेन एम ऑफ सिलेक्शन कमिटी इज टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी एंड टू अपॉइंट द टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलएटी। तो कौन चार लोग आ गए इन सिलेक्शन कमिटी, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन, देन सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल एक्ट एज अ मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए विल बी अ मेंबर, सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस विल ऑल्सो बी अ मेंबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनसीएलटी वाले चैप्टर का अमेंडमेंट। अभी उसके अंदर हाँ एक पॉइंट रह गया हमारा 412 सबसेक्शन 2A, जहां पे भी सिलेक्शन कमिटी में कोई भी यू नो इक्वालिटी ऑफ वोट्स होता है कि किसको अपॉइंट करना है या फिर फॉर एनी अदर मैटर, तो वहां पे द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन था, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी, दैट पर्सन विल हैव अ कास्टिंग वोट, मतलब टाई के केस में दिस पर्सन विल कम इन बिटवीन एंड ही विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस में मैक्सिमम जगह पे जो अमेंडमेंट हुआ है वो पेनल्टीज या ऑफेंसेज रिलेटिंग ही हुआ है। सेक्शन 441 सिंपल है बहुत, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेज। अगर आपने पहले आपको याद होगा तो कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेज वही ऑफेंसेज का होता था, कंपाउंडिंग मतलब कम करना अपना पनिशमेंट, वो वही ऑफेंसेज का होता था जिसमें फाइन ओनली है, ठीक है। अभी उन्होंने यहाँ पे वर्डिंग्स चेंज कर दिया, बोला कि दो ऑफेंस को बाहर निकाल दो, कौन सा दो ऑफेंस, फर्स्ट वन इम्प्रिजनमेंट ओनली, खाली इसको जेल होने वाली है, एंड दूसरा फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ, मतलब कहना इसे दोनों केसेस में इम्प्रिजनमेंट तो होने ही वाला, ये दोनों ऑफेंस को बाहर निकाल दो, ये दोनों पनिशमेंट्स को बाहर निकाल दो, इसके अलावा जो भी बाकी रह गया, मतलब फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ या फिर फाइन ओनली, ये वाले जो अदर टाइप के ऑफेंसेज बाकी रह गए, ओनली दीज ऑफेंसेज आर नाउ कंपाउंडेबल। सो बेसिकली दो ऐसा है जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट इज इम्प्रिजनमेंट ओनली या फिर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ। सो दिस इज द अमेंडमेंट गिवन हियर। नेक्स्ट वन सेक्शन 446A, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है आफ्टर 446। उन्होंने वहां पे बोल रहे हैं कि अगर सपोज आपको किसी के ऊपर पेनल्टी लेवी करना है, इफ यू कैन जस्ट रिकलेक्ट देर आर मेनी प्लेसेज इन द एक्ट वेर वी हैव पेनल्टीज गिवन इन द रेंज, मिनिमम इतना रुपीज, मैक्सिमम इतना रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल समवेयर इफ यू आर स्टडिंग 10,000 रुपीज टू 1 लाख, वॉट डू यू मीन बाय दैट, द पेनल्टी कैन बी एनी अमाउंट रेंजिंग बिटवीन 10,000 टू 1 लाख। तो कितना रखे, 15,000 रखे, 20,000 रखे, 90,000 रखे, कितना रखे, नाउ दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर, लेकिन कम रखना है ज्यादा रखना है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो नाउ दिस अमाउंट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ विच फैक्टर्स, क्या क्या कंसिडर करोगे बिफोर डिसाइडिंग कि कितना पेनल्टी रखना चाहिए। तो आई फील आपको एटलीस्ट ये तो कंसिडर करना चाहिए कि उसने जो डिफॉल्ट किया है उसका क्या इंटेंसिटी है, क्या टाइप का डिफॉल्ट किया है। अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट किया जिसे पब्लिक इंटरेस्ट को फर्क पड़ा है, देर हैज बीन अ इंजुरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, इन दैट केस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी हायर। फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट किया है, छोटा मोटा डिफॉल्ट किया है, देन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन बी ऑन द लोअर एंड। ओके, सो दे हैव गिवन यू 5 फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। फर्स्ट वन द साइज ऑफ द कंपनी, द नेचर ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंपनी, इंजुरी कॉज टू द पब्लिक इंटरेस्ट, वॉट टाइप ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ डिफॉल्ट एंड द रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट। बार बार करते जा रहा है तो ऑब्वियसली द पेनल्टी विल बी ऑन अ हायर साइड। इसके बाद में एक और न्यू इंसर्शन हुआ है 446B, बहुत अच्छा सेक्शन आया है ये, ओपीसी है, 1% कंपनी है या फिर स्मॉल कंपनी है, जहां पे उसने कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस कंप्लाई करना इट हैज फेल्ड। एग्जांपल, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह फाइल करना होता है ओपीसी को, क्योंकि वहां पे एजीएम नहीं हो पाता बिकॉज देर इज ओनली वन मेंबर, सो दैट हैज टू बी फाइल्ड विद इन सो एंड सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
अगर वो सब नहीं कर रहा है या फिर जहां पे भी अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है, ओपीसी के केस में अप्रूवल मेंबर्स का तो ले नहीं सकते, एक ही मेंबर बैठा हुआ है, बट द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द आरओसी। अगर उसने वो सब नहीं किया तो इन लोग बोलने की कोशिश कर रहा है कि ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को सेम पेनल्टीज एप्लीकेबल होगा जो एक नॉर्मल कंपनी को होता है, बट एट द रेट ऑफ 50%। मतलब जो भी पेनल्टी, फाइन, इम्प्रिजनमेंट नॉर्मल कंपनी को होता है उसका हाफ ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी को होगा। सो बेसिकली इट इज अ बेनिफिट विच हैज बीन एक्सटेंडेड टू ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट चैप्टर 21 के अंदर उन्होंने बात किया था, अपन ने ये अलग से चैप्टर पढ़ा था जब आपका कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट्स वगैरह आया था वहां पे। सपोज इफ देर इज एनी अदर टाइप ऑफ एंटिटी, से फॉर एग्जाम्पल अ पार्टनरशिप फर्म, इवन अ पार्टनरशिप फर्म कैन गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनीज एक्ट। सपोज पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, से वाइंडिंग अप प्रोविजन नहीं है, डिसोल्यूशन प्रोविजन नहीं है, तो इट कैन कम एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द कंपनीज एक्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 366। लेकिन अभी उन्होंने उसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया है कि अगर आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना है तो वो एंटिटी के पास में एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होने वाले, 2 पार्टनर्स होने वाले, तो दोज पीपल कैन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक और उसके अंदर पॉइंट लाया है जो अपन को एडिशन करना है अपने नोट्स के अंदर, कि सपोज अगर किसी को कंपनी बोल के रजिस्टर करना है, ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई भी कंपनी है जहां पे देर आर लेस देन 7 मेंबर्स, सो दैट कंपनी विल बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नॉट एज अ पब्लिक कंपनी। 7 से ज्यादा है तो इट हैज एन ऑप्शन। नेक्स्ट सेक्शन 374, ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनीज रजिस्टरिंग अंडर दिस पार्ट। इन्होंने यहां पे ऐसा बोलने की कोशिश किया, सपोज इफ एलएलपी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी और इफ एलएलपी इज गेटिंग रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, तो जैसे ही वो एलएलपी से निकल के कंपनीज में आता है तो इट गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो इट इज ट्रीटेड एज इफ इट हैज बीन डिसॉल्व्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। वहां से डिसॉल्व होके देन इट हैज कम अंडर द कंपनीज एक्ट। एंड द लास्ट वन मिसलेनियस प्रोविजंस, बहुत सिंपल है। मिसलेनियस प्रोविजन में बोला है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड सेक्शन 447। मैं यूजुअली पेनल्टीज नहीं करवाती हूँ, बट देर आर सर्टन स्पेसिफिक पेनल्टीज जो हमने कंपनी लॉ के अंदर भी हमारे लेक्चर्स के अंदर किया हुआ है, एंड उसके अंदर जो अमेंडमेंट आया वो तो हमें स्पेसिफिकली अभी करना है। 447 बात कर रहा था, जब भी आप फ्रॉड कर रहे हो तब देर वॉज सम इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ से लेके इतना नंबर ऑफ इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट था, फिर उसके अंदर जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तब मिनिमम इतना ईयर्स का तो इम्प्रिजनमेंट होने वाला था। अभी उसके अंदर उन्होंने एक चेंज कर दिया है, वहां पे बोला था कि अगर फ्रॉड किया है तो इतना इतना पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा है। उन्होंने अभी यहां पे फ्रॉड को थोड़ा सा क्वांटिफाई कर दिया, इफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट ₹10 लाख और 1% ऑफ द टर्न ऑफ द कंपनी, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, अगर एटलीस्ट इतने अमाउंट का फ्रॉड इन्वॉल्व है देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 447 शल अप्लाई। मतलब 447 तभी अप्लाई होगा जब आपका फ्रॉड का अमाउंट इज एक्सीडिंग या फिर इज एटलीस्ट ₹10 लाख और 1% ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी। आपको ऐसा दिख रहा होगा, दीज वर्ड्स आर टू बी इंसर्टेड। फिर उसके बाद में उन्होंने यहां पे बोला फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व एन अमाउंट उससे कम का अगर है एंड पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस उसका जो पनिशमेंट है दैट इज इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 5 years एंड सेकेंड वन और विथ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹20 लाख और विथ बोथ। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ सर्कमस्टेंस यहां पे फ्रॉड का अमाउंट इज लेसर देन द लिमिट स्केल। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 458 बहुत सिंपल है। ऐसे कोई कोई जगह थे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनसाइडर ट्रेडिंग था 194 एंड 195 जो भी निकल गया वहां पे सीजी ने अपने पावर्स डेलीगेट कर दिए थे टू सेबी, तो जहां पे भी वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सीजी हैज डेलीगेटेड द पावर्स टू सेबी विद रिगार्ड टू सेक्शन 194 एंड 195, अब वो लाइन्स को हम कट कर देंगे बिकॉज वो हमारे कंपनीज एक्ट से टोटली बाहर चले। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट इन कंपनी लॉ विच वॉज कॉमन फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू। ठीक है, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, सारे छोटे 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 अमेंडमेंट है, आपको खाली रिस्पेक्टिव जगह पे उसको इनकॉर्पोरेट कर। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, इसके बाद में वी विल बी डूइंग द चैप्टर्स ऑफ अलाइड लॉज और इकोनॉमिक लॉज जो कॉमन में है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ अलाइड लॉ अमेंडमेंट्स, अलाइड लॉ बोल सकते हो या फिर इकोनॉमिक लॉज बोल सकते हैं, पहले वो चैप्टर्स कर लेंगे हम जो कॉमन में है, अलाइड में भी है, इकोनॉमिक लॉ में भी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, इसके अंदर बहुत सिंपल छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं।
सबसे पहले तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करके एक डेफिनेशन है. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर अपन इफ वी टॉक इन आर लैंग्वेज, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का क्या मतलब हो गया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब ऐसा कोई भी मनी विच यू हैव अर्नड बाय डूइंग सम क्राइम विच इज ट्रीटेड और विच इज लिस्टेड इन द शेड्यूल्ड ऑफेंस. आपको ऐसा कुछ याद होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा कुछ पार्ट होते थे आपके. अगर उसके अंदर जो ऑफेंसेज लिस्टेड है, अगर उसमें आपने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड करके इफ हैव अर्नड एनी मनी, तो दैट इज ट्रीटेड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. ठीक है, अभी आपने अगर ऐसा कुछ भी अर्न किया है, अगर आपने उससे कोई एसेट्स लिया है, तो इवन दैट एसेट इज ट्रीटेड एज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम. नाउ सपोज इफ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई एसेट लिया है एंड दैट एसेट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया घर ले लिया वो वाले पैसे से, तो विल दैट हाउस बी ट्रीटेड एज और दैट प्रॉपर्टी बी ट्रीटेड एज प्रोसीड ऑफ क्राइम, या फिर खाली इंडिया वाला प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज प्रोसीड ऑफ क्राइम? तो वहां पे उन्होंने डेफिनेशन में एडिशन किया है, वो प्रॉपर्टी कहीं पे भी सिचुएटेड होने दो, आइदर इन इंडिया और अब्रॉड, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सो आपको लास्ट में दिख रहा होगा और अब्रॉड, ये आपके डेफिनेशन में पूछ सकता है वो लोग. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग. चेक करो यहां पे क्या बोला है. आपको अगर ऐसा कुछ याद होगा प्रोविजनल अटैचमेंट, नॉर्मल दूसरे लॉज में भी पढ़ा होगा, डीटी वगैरह में भी पढ़ा होगा. प्रोविजनल अटैचमेंट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट जब भी आपके ऊपर ऑलरेडी कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही है एंड द अथॉरिटी हैज अ रीजन टू बिलीव कि आप शायद ये प्रॉपर्टी लेके भाग जाओगे, यू विल एब्सकॉन्ड और यू विल सेल दी प्रॉपर्टी, इन दैट केस द अथॉरिटी विल प्रोविजनली अटैच योर प्रॉपर्टी. वो फाइनल नहीं है बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड इट विल अटैच योर प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ योर प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच फॉर 180 डेज के लिए, आप उसको अटैच कर सकते हो, यह आपका नॉर्मल रूल था. ठीक है, नथिंग न्यू. अभी 180 डेज के अंदर, सपोज अभी 180 डेज फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन अज्यूम एज 6 मंथ्स. अभी सपोज माय प्रॉपर्टी वॉज प्रोविजनली अटैच्ड ऑन 1st of January, तो कैन आई से द प्रॉपर्टी इज नाउ प्रोविजनली अटैच्ड टिल 30th of June अप्रोक्सीमेटली, दैट इज फॉर 6 मंथ्स. अभी सडनली आफ्टर 28th of February, दैट इज आफ्टर 2 मंथ्स, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, स्टे ऑर्डर लगा दिया ऑन दिस प्रोविजनल अटैचमेंट. What does this mean? Provisional attachment के ऊपर stay order लगा दिया, मतलब now there is no provisional attachment of this property, या फिर एक बार के लिए pause हो गया, मतलब I can still use my property now जो पहले provisionally attach हो चुका था. अच्छा, अभी वो period में suppose अगर high court आता है और अगर high court stay लगाता है for 1 month, assume high court ने stay लगा दिया for the entire month of March. तो अभी विल माई प्रोविजनल अटैचमेंट बी वैलिड अप टू 30th of June और विल इट फर्दर गेट एक्सटेंडेड बाय अ मंथ? मैंने बाय अ मंथ क्यों बोला, बिकॉज हाईकोर्ट ने बीच में जब स्टे लगाया था तब कितने टाइम के लिए लगाया था? फॉर 1 month. तो यहां पे उन्होंने बोल दिया 180 डेज के अंदर हाईकोर्ट के स्टे का पीरियड विल बी टोटली एक्सक्लूडेड. एक्सक्लूडेड मतलब उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, द प्रोविजनल अटैचमेंट विल बी फॉर क्लियर 180 डेज. So now in our example, अपना provisional attachment जाएगा till 31st of July और near by date. Basically, जो 1 month का बीच में gap आया था, that will be given to the authorities. Now one more thing that they have told you there is, जब भी high court का stay आता है, stay के vacation के बाद, मतलब after the stay has got vacated, मतलब after the stay has been lifted, you will get extra 30 days. मतलब जो पहले मेरा 31st July होने वाला था, वो मुझे उसके बाद में और 30 डेज मिलेगा फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट. दिस 30 डेज इज जस्ट बिकॉज आपका हाईकोर्ट का स्टे आया था. तो पहली बात तो जो हाईकोर्ट का स्टे वाला पीरियड है, दैट विल बी टोटली एक्सक्लूडेड, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा टाइम. दूसरा प्लस उसमें आपको जब भी हाईकोर्ट का स्टे आता है, तब आपको यू विल बाय डिफॉल्ट गेट 30 डेज एक्स्ट्रा. दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन, एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मतलब अभी यहां पे आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू हो गया, वो केस में भी कैन द प्रॉपर्टी बी अटैच्ड? जब आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन कैन द प्रॉपर्टी बी अटैच्ड? बेसिकली ऊपर अपना प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था, कितने डेज के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था? फॉर 180 डेज. अज्यूम देयर इज नो हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर एक्सेट्रा, तो नॉर्मल 180 डेज के बाद में आपका स्टे ऑटोमेटिकली, आपका जो प्रोविजनल अटैचमेंट है, दैट ऑटोमेटिकली गेट्स ओवर. उसके बाद में भी कैन इट बी अटैच्ड? कैन द प्रॉपर्टी बी अटैच्ड? तो येस, द प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स, बट नॉट एक्सीडिंग अ पीरियड ऑफ 90 डेज. एंड जब ये 90 डेज होगा, तब इट इज नॉट कॉल्ड एज प्रोविजनल अटैचमेंट, रैदर इट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट. नाउ तो यहां पे लिखा हुआ है,
दिस पीरियड शुड नॉट एक्सीड 90 डेज. नेक्स्ट, पावर टू अरेस्ट. अगर सपोज इनके पास में जो भी अथॉरिटीज है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है डायरेक्टर और द डेप्यूटी डायरेक्टर, उनके पास में इन राइटिंग कुछ मटेरियल मैटर है कि दिस पर्सन हैज बीन गिल्टी अंडर पीएमएलए, तो दिस पर्सन हैज टू बी अरेस्टेड. बट उसमें ये जो भी अथॉरिटीज है, आफ्टर अरेस्ट दे विल फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ देयर ऑर्डर प्लस प्रूफ कि क्या बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट किया है, ये फॉरवर्ड होगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अभी जो भी पर्सन को हमें अरेस्ट करना है, दैट पर्सन शुड बी टेकन टू द स्पेशल कोर्ट. या तो स्पेशल कोर्ट लेके जाओ और एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसका वहां पे ज्यूरिसडिक्शन है, एंड दैट पर्सन हैज टू बी टेकन टू दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी विद इन 24 आवर्स. ये तो ठीक है, प्लस 24 आवर्स के अंदर उन्होंने बोल दिया है कि इसके अंदर द ट्रैवलिंग टाइम हैज टू बी एक्सक्लूडेड. मतलब क्लियर 24 आवर्स आपको दिया हुआ है. कौन सा वाला 24 आवर्स की बात कर रहा है वो, ट्रैवलिंग टाइम कौन सा वाले की बात कर रहा है, जहां से भी अरेस्ट किया है वहां से लेके उसको कोर्ट तक लेके जाने तक जितना भी टाइम है, दैट विल बी टोटली एक्सक्लूडेड. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गिवन क्लियर 24 आवर्स. नेक्स्ट, फिफ्थ वाला इज अ वेरी सिंपल वन. Offences to be cognizable and non-bailable. Offences to be cognizable and non-bailable मतलब the person cannot be released on bail. ऐसा कुछ लगता है. Now, notwithstanding anything contained in so and so procedure, check करो wordings क्या था पहले और अभी क्या हो गया है. No person accused of any offence under this act. पहले wordings हुआ करता था who is punishable under this act for more than or equal to 3 years etc. अभी उन्होंने बोल दिया no person accused of an offence under this act shall be released on bail or on his own bond unless, मतलब by default ये PMLA के अंदर if any person is getting accused then the offence is totally non-bailable, उसको नहीं छोड़ सकते. But now they have used the word unless. ठीक है, unless मतलब exclusion का बात कर रहे हैं. ये हमने already पहले पढ़ लिया है जहां पे the public prosecutor has been given an opportunity. And second, when the court is of an opinion that अगर इस person को हमने bail पे छोड़ भी दिया तो भी he will not cause any harm or he will not commit such offence again. In that two cases, the person can be released on bail or bond. अच्छा, एक और चीज हमने वहां पे पढ़ा था. If there is any person who is convicted is of the age of less than 16 years or that person is a woman or is a sick or infirm, तो फिर उसको हम bond पे छोड़ सकते हैं. ठीक है, उस list के अंदर एक और चीज add हो गया. If any person along with a co-accused person, दोनों को हमने held किया है, liable hold किया है, but the amount involved is less than ₹1 crore. So even this person comes in the list of exception and this person can be released on bail. तो यहां पर आपको दिख रहा होगा less than ₹1 crore. Next, powers of authorities regarding summons, production of documents and to give evidence etc. ये थोड़ा one time read type का section है. अगर सपोज कोई भी अथॉरिटी असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर इफ दे वांट टू रिटेन और दे वांट टू इम्पाउंड एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, तो दैट कैन बी डन. एंड इफ दे वांट टू रिटेन इट फॉर मोर देन 3 मंथ्स देन दे हैव टू ऑब्टेन अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द ज्वाइंट डायरेक्टर. दिस ज्वाइंट डायरेक्टर आर द न्यू वर्ड विच हैज बीन एडेड, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन. यहां पर लोग बोल रहे हैं सपोज अगर इफ देर इज एनी डायरेक्टर और एनी अदर अथॉरिटी अंडर द पीएमएलए एक्ट, इनके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट सो एंड सो पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंट सो एंड सो प्रोविजन, एंड नाउ इनको पता चला है कि अरे ये पर्सन ने इनकम टैक्स भी वायोलेट किया, आरबीआई के प्रोविजन भी वायोलेट किए, फेमा के प्रोविजन भी वायोलेट किए, तो कैन दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस अक्यूज पर्सन टू द अदर अथॉरिटीज? तो आंसर इज ऑब्वियसली येस, बिकॉज दिस इज इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट. तो कोई भी अथॉरिटीज के साथ में जाके यू कैन शेयर दी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अभी जो भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने अलाइड लॉ के लेक्चर्स लिए या फिर इकोनॉमिक लॉ के लेक्चर्स लिए मुझसे, उनके लिए ये जो भी अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े, ऑल दी अमेंडमेंट्स हैव बीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक, तो आपको ये वाले अमेंडमेंट्स के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, सेम अप्लाइज फॉर इंसॉल्वेंसी. स्टूडेंट्स हैव टेकन लेक्चर्स फ्रॉम मी फॉर अलाइड लॉ या फिर इकोनॉमिक लॉ, आईबीसी के हम जो भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले, ऑल द अमेंडमेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर बुक. ठीक है, नाउ सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ आईबीसी, आईबीसी किस किस को एप्लीकेबल है, तो उस लिस्ट के अंदर उन्होंने किसी को इंक्रीज कर दिया. पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप, ये सब पहले से था. बेसिकली उसके अंदर पर्सनल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर्स, बेसिकली द पीपल हु हैव गिवन गारंटी टू द कॉर्पोरेट डेटर कि अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं खड़ा हूं यहां पे, उसको भी अभी आईबीसी इज एप्लीकेबल. तो अगर सपोज कॉर्पोरेट डेटर पे नहीं कर पा रहा है तो द नेक्स्ट पर्सन इज लायबल इज द
पर्सनल गारंटर एंड इसके ऊपर अभी लायबिलिटी आएगा, अगर ये भी पे नहीं करा तो इसके ऊपर भी आईबीसी के प्रोविजंस विल नाउ बी एप्लीकेबल, ठीक है। एंड नीचे उन्होंने स्पेसिफाई किया, चेक करो यहाँ पे, इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर, इंडिविजुअल्स में से पर्सनल गारंटर बाहर निकाल दिया बिकॉज दैट पॉइंट हैज बीन स्पेसिफिकली कंसिडर्ड अबव। नेक्स्ट रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान नाम से क्या लग रहा है, इट इज बेसिकली अ प्लान जहां पे वी आर ट्राइंग टू रिजोल्व द स्टेटस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। सो इट इज अ प्लान प्रपोज्ड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ताकि हम उसको गोइंग कंसर्न में लेके जा सके। नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो वो प्रोफेशनल वाला बंदा था जो ये आईबीबीआई इंस्टीट्यूट से बाहर निकला हुआ है, उसके ड्यूटीज बहुत सारी ड्यूटीज से उसके अंदर एक और एड हो गया है, अच्छा पॉइंट है। द आरपी शाल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब वो लोग जो लोग रेजोल्यूशन का एप्लीकेशन, रेजोल्यूशन प्लान के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, हम उनको इन्वाइट करें कि आओ भाई हमें आइडियाज दो कि हम इन स्टेटस को कैसे रिजोल्व करें। वी शाल इन्वाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हु फुलफिल सच क्राइटेरिया एज मे बी लेड डाउन बाय हिम विद द अप्रूवल ऑफ सीओसी हैविंग रिगार्ड टू, किस टाइप का एप्लीकेंट हम लेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच अदर कंडीशंस विच आर स्पेसिफाइड बाय द आईबीबीआई। सो बेसिकली आरपी का ये ड्यूटी बन गया कि उसको कंसिडरिंग द स्केल कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेट्रा इट हैज टू इन्वाइट सम पीपल हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दिस रेजोल्यूशन प्लान। नेक्स्ट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, अभी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के अंदर वो पर्सन भी इंक्लूड हो जाएगा जिसको हमने ऊपर इन्विटेशन दिया था, चेक करो, मीन्स अ पर्सन हु इंडिविजुअली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन सबमिट्स अ प्लान टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल परस्यूएंट आफ्टर द इन्विटेशन मेड अंडर द अबव सेक्शन। तो जो नया पर्सन है जिसको हमने इन्वाइट किया था, सर आओ आके अपना आइडियाज दो, दैट पर्सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट यहां पे हुआ है, न्यू सेक्शन आया सेक्शन 29A, persons not eligible to be a resolution applicant, कौन ऐसा पर्सन है जो एप्लीकेशन नहीं कर सकता फॉर मेकिंग अ रेजोल्यूशन प्लान। बेसिकली जब आप ये सारे पढ़ोगे तब आपको टोटल कुछ 10 पॉइंट्स के करीब मिलेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस यू विल गेट अराउंड 10 पॉइंट्स। उन्होंने ये बोलने की कोशिश कर रहा है अगर आपने खुद से कोई डिफॉल्ट किया या फिर आपने खुद का कुछ गलत किया है, खुद का डिफॉल्ट किया है, आप ऑलरेडी खुद से डिफॉल्टर हो, तो यू कैन नॉट कम एंड मेक द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और यू कैन नॉट बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, यू कैन नॉट कम एंड मेक अ रेजोल्यूशन प्लान। नाउ दिस इज वेरी लॉजिकल, आप आ रहे हो किसी और का प्लान बनाने के लिए जबकि आप खुद डिफॉल्टर हो, तो ऑब्वियसली यहां पे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से द पर्सन हैज बीन टोटली रेस्ट्रिक्टेड। अभी चेक करो क्या बोला है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसर्ट विद सच पर्सन, क्या बोला वापस से चेक करो, वो एलिजिबल नहीं रहेगा इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसर्ट विद सच पर्सन। अच्छा अगर सपोज मैं खुद डिफॉल्टर नहीं हूं लेकिन मैंने एप्लीकेशन में मैं खुद भी हूं और मेरा एक फ्रेंड भी है जो एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्लान बनाने वाला है, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं बट द पर्सन विथ हुम आई एम वर्किंग इज अ डिफॉल्टर, तो वहां पे आई एंड द अदर पर्सन कैन नॉट एक्ट टूगेदर बिकॉज यहां पे कोई तो भी पर्सन अ पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज अ डिफॉल्टर। अभी चेक करो क्या बोला वहां पे, कौन कौन एक्सक्लूडेड है। अभी यहां पे जस्ट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड जिससे आपको पूरा का पूरा आंसर याद रखना है। फर्स्ट वाले पॉइंट में अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट को आप यहां पे मार्क कर सकते हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट वाले में विलफुल डिफॉल्टर एज पर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई या फिर इश्यूड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट वाले में दिस पर्सन इज हैविंग सम अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, खुद का अकाउंट है दैट अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, ठीक है। एंड एनपीए है कितने टाइम से एनपीए, एटलीस्ट 1 ईयर से द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, लेकिन ये बंदे का अकाउंट एनपीए है, प्लान बनाने से पहले ही हैज पेड इज ऑल द ओवरड्यू अमाउंट, तो नाउ जिस दिन वो प्लान बना रहा है उस दिन वो डिफॉल्टर है कि नहीं है, तो द आंसर इज नो, ही इज नॉट अ डिफॉल्टर बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पेड द अनपेड अमाउंट्स, ओवरड्यू अमाउंट्स, तो दैट इज कवर्ड इन द एक्सेप्शन। तो तीन पॉइंट हो गए अब तक, फर्स्ट वाला वॉज दैट पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सेकंड वन इज अ विलफुल डिफॉल्टर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, थर्ड वन हिज अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए या फिर वो ऐसे अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है विच इज क्लासिफाइड एज एनपीए। नेक्स्ट ही इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर 2 ईयर्स और मोर, फिर
उसके बाद में डायरेक्टर बनने के लिए ही इज डिस्क्वालिफाइड एज पर द कंपनीज एक्ट. फिर ही इज प्रोहिबिटेड बाय सेबी कि आप भाई मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर आप सिक्योरिटीज मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते. फिर ही हैज बीन अ प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इन विच सम फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस व्हेन ही वॉज इन द पोजिशन. मतलब आज के दिन वो नहीं है कंपनी में लेकिन वो पास्ट में प्रमोटर डायरेक्टर एक्सेट्रा हो चुका है एंड उसके टेन्योर में उसने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन किया था तो वो केस में दिस पर्सन इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड. ऑब्वियसली जब पकड़ा जाएगा तभी इज रेस्ट्रिक्टेड. मतलब एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. फिर नेक्स्ट दिस पर्सन हैज एग्जीक्यूटेड अ गारंटी इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. मतलब कॉर्पोरेट डेटर को बोला भाई अगर तू कोई दिन पेमेंट नहीं कर पाया तो आई एम देयर. मतलब आई एम द पर्सनल गारंटर एंड मैं उसको पेमेंट नहीं कर पाई. तो कैन द पर्सनल गारंटर बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. सो द आंसर इज नो. क्यों नहीं रह सकता ये वाला पर्सनल गारंटर? बिकॉज जब इसकी बारी आई थी पेमेंट करने की कि भाई चलो कॉर्पोरेट डेटर पे नहीं कर पा रहा तो नाउ इट इज माई ऑब्लिगेशन, तब उसने पेमेंट नहीं किया. नेक्स्ट आई वाला पॉइंट, ही सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू एच. जो भी अब तक पढ़ा उसमें ए टू एच में ही सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लेकिन उसने कोई गड़बड़ किया है इंडिया में नहीं, उसने वो गड़बड़ किया है इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया का आपको दिख रहा होगा अंडर एनी लॉ इन एनी ज्यूरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया. ए टू एच में इंडिया में कुछ किया है तो डिस्क्वालिफाइड. आई वाले पॉइंट में सिमिलर टाइप का झोल किया है इन अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो अगेन डिस्क्वालिफाइड. एंड जे वाला पॉइंट, हैज अ कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन ए टू आई. इन लोग में से उन्होंने क्या बोल दिया, हैज अ कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर ए टू आई. मेरा ऐसा कोई रिलेटेड पर्सन है या फिर मेरी कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है विच इज अ डिफॉल्टर, तो वहां पे इवन आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बिकॉज वहां पे मेरे रिलेटेड पार्टी ने ऐसे कोई टाइप का डिफॉल्ट किया. सो बेसिकली दे आर ट्राइंग कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है टोटली इंडिपेंडेंट रहे. दिस पर्सन शुड बी अ टोटल डिफॉल्ट फ्री पर्सन. ये कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए. कनेक्टेड पर्सन का नीचे डेफिनेशन दिया है, नहीं याद रखा तो भी चलेगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, मैंने आपको बोला दैट ऑब्वियसली कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड पर्सन. अभी उन्होंने खाली इतना बोला है, ये आपको चेक करना है, देखो क्या लिखा हुआ है. हाउएवर अबाउ क्लॉज थ्री शैल नॉट अप्लाई टू क्लॉज थ्री. मतलब इसका बात कर जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इज अभी कोई रिलेटेड कंपनी है जिसने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है तो इवन दैट पर्सन कैन नॉट बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. लेकिन उसके अंदर कौन एक्सक्लूड हो जाता है? शेड्यूल्ड बैंक एक्सक्लूडेड है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सक्लूडेड है विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी. ये लोग अगर रिलेटेड पार्टी में भी आते हैं तो भी दीज पीपल आर नॉट एक्सक्लूडेड, दीज पीपल आर टोटली इंक्लूडेड, दे कैन स्टिल बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. सो टोटल 10 पॉइंट्स हो गए हमारे. फर्स्ट थ्री तो याद होना चाहिए एटलीस्ट. फर्स्ट थ्री वॉज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. सेकेंड वाला पॉइंट वॉज दैट पर्सन इज अ विलफुल डिफॉल्टर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से. थर्ड वाला पॉइंट इज जिसका अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर, लेकिन अगर उसने ओवरड्यू अमाउंट को पे कर दिया है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए. फिर उसके बाद में या फिर इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर एंड इट इज एलिजिबल टू मेक अ रेजोल्यूशन प्लान. फिर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जहां पर उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है ऑफ टू ईयर्स और मोर. डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालिफाइड है. सेबी ने मार्केट एक्सेस करने से डिस्क्वालिफाई कर दिया. दिस पर्सन वॉज अ प्रमोटर और वॉज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड वो टेन्योर में उसने कुछ डिफॉल्ट किया था एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया. फिर उसके बाद में जिसने गारंटी दिया था लेकिन गारंटी का अमाउंट वगैरह कुछ पे नहीं किया. फिर उसके बाद में ए टू आई तक जितना भी पॉइंट्स हुआ था, ए टू एच तक जितना भी पॉइंट्स हुआ था उसमें कुछ भी डिफॉल्ट किया लेकिन इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया और एज पर द लॉ आउटसाइड इंडिया तो अगेन डिस्क्वालिफाइड. एंड लास्ट वन जिसका कोई कनेक्टेड पर्सन है एंड दैट कनेक्टेड पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड अंडर पॉइंट ए टू. वेरी क्लियर विद दिस? तो अगर मेरे कनेक्टेड पर्सन ने भी कुछ डिफॉल्ट किया तो आई एम नॉट एलिजिबल टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. नेक्स्ट सबमिशन ऑफ प्लान एंड अप्रूवल बाय सीओसी. ये अच्छा सेक्शन आया, चेक करो क्या बोला इसमें. सपोज जब भी कोई रेजोल्यूशन प्लान आता है द प्लान इज प्लेस्ड बिफोर द सीओसी फॉर अप्रूवल जहां पे 75% और मोर की वोटिंग अपन को चाहिए होती है. नाउ ये जो ऊपर वाला सेक्शन 29A आया था ये थोड़ा सा बाद में आया था, दिस केम वाया द अमेंडमेंट्स. नाउ अभी इसके अंदर सपोज बिफोर दिस अमेंडमेंट केम सीओसी के सामने हमने ऑलरेडी प्लान रख दिया, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान रख दिया एंड वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वॉज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 29A. लेकिन तब तक वो सेक्शन तो आया नहीं था. तो चलो अज्यूम करते हैं कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है जिसने वो टाइम पे एप्लीकेशन कर दिया
रेजोल्यूशन प्लान के लिए एप्लीकेशन कर दिया, उसे दे दिया रेजोल्यूशन प्लान बना के, एंड वो रेजोल्यूशन प्लान रखा है सीओसी के सामने फॉर अप्रूवल. इन द मीन वाइल दिस अमेंडमेंट हैज कम. तो सीओसी बोलेगा, बॉस नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट यू आर अ पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 29A, तो आप मुझे आके एप्लीकेशन नहीं कर सकते. एंड सीओसी आरपी को जाके बोलेगा, जाओ फ्रेश एप्लीकेशन इन्वाइट करो. मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशनल प्रोविजन. सपोज इनसॉल्वेंट पर्सन ने एप्लीकेशन किया, उसका एप्लीकेशन सीओसी के सामने अप्रूव हो गया, उसका रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद में ही अमेंडमेंट आया. अमेंडमेंट आने के बाद में सीओसी बोल सकता है क्या कि द प्लान वॉज नॉट वैलिड? नहीं बोल सकता. दिस इज वैलिड ओनली वेन द प्लान इज स्टिल पेंडिंग फॉर अप्रूवल बिफोर द सीओसी. तो अगर पेंडिंग है तो सीओसी बोलेगा जाके फ्रेश एप्लीकेशन करो. नेक्स्ट, हमने कहीं ये पढ़ा था 29AC में, जहां पे अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए. एनपीए में ओवरड्यू अमाउंट का पेमेंट करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा 30 डेज देंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा 30 डेज देने के वजह से आईबीसी के अंदर जो टाइम मिलता है टू क्लोज द इश्यू, दैट इज 180 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, वो 180 डेज आपको उसमें आपको और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. इवन इफ आप वो पर्सन को 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम लिमिट दे रहे हो पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो भी द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज टू गेट कंप्लीटेड विद इन 180 डेज. नेक्स्ट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी. अभी ये जो भी बंदा था हु वॉज डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 29A, उसका हमारे कंपनी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. मतलब सपोज अगर मेरे कंपनी का अभी वाइंडिंग अप हो रहा है, रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाया, वाइंडिंग अप हो रहा है, वाइंडिंग अप के टाइम पे वी विल सी ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वी विल सेल दीज एसेट्स टू आउटसाइडर्स, उसमें से पैसा रियलाइज करके विल पे टू द लाइबिलिटीज, विल पे द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, दैट इज द क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. उन लोग बोल रहे हैं जब आप ये एसेट बेच रहे हो, यू कैनॉट सेल इट टू अ पर्सन हु वॉज डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 29A, उसको हमारे कंपनी से दूर रखो, दैट पर्सन वॉज टोटली डिसक्वालिफाइड, उसको सेल नहीं कर. ठीक है, सो दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन इंसर्टेड ईयर. नेक्स्ट, एथ वाला पॉइंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एक्ट के अंदर जहां पे भी कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दिया है वहां पे फाइन इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज टू 2 करोड़ रुपीज, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. दूसरा, जब भी शिफ्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आईबीसी के अंदर, तब आपको अगर कुछ भी अप्रूव करवाना है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल की जरूरत नहीं है वंस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हैज स्टार्टेड. ठीक है, किसका अप्रूवल चाहिएगा फिर आपको? यू नीड द अप्रूवल ऑफ द सीओसी, बिकॉज देर हैज बीन अ शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द ओनर्स टू द लोनर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट इन द आईबीसी. बहुत छोटे छोटे थे, खाली एक नया सेक्शन टोटली आ गया था, दैट वॉज सेक्शन 29A, जो आपको याद रखना है. नेक्स्ट चैप्टर, लकीली सेबी. सेबी के अंदर ये बार खाली एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, कुछ खास नहीं है. सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन जो दोनों का एप्लीकेबल है, ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स, उसके अंदर क्यूआईपी करके आपने सुना होगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, उसके अंदर एक पॉइंट हुआ करता था कि आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाले क्लॉजेस को एटलीस्ट फुलफिल करने हैं. तो वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला क्लॉज उन्होंने हटा दिया, कि बोला अगर वो फुलफिल नहीं भी होता है तो भी क्यूआईपी इसको प्लेसमेंट हो सकता है, क्यूआईपी इसको शेयर इश्यू हो सकता है. ठीक है, दोज हु हैव टेकन द बुक्स एंड द लेक्चर्स, उनके बुक में ऑलरेडी ये करेक्शन किया हुआ है, ये अमेंडमेंट ऑलरेडी वहां पे इनकॉर्पोरेटेड है. नेक्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर द ओल्ड कोर्स. इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर एक मिस्टेक है जो मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं. उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 20, विच सेज कि यू कैन नॉट गिव लोन, अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स, इट कैन नॉट गिव लोन टू अ फर्म इन विच द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, और इट कैन नॉट गिव लोन टू अ कंपनी इन विच द डायरेक्टर्स आर अगेन अ कॉमन डायरेक्टर. मीन्स वो जो डायरेक्टर है बैंक में भी वो लोग डायरेक्टर है एंड वो कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, तो यू कैन नॉट गिव लोन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, अभी उसके अंदर एक्सेप्शन है जहां पे मॉड्यूल में ब्रैकेट के मार्किंग में मिस्टेक है. वॉट आर द एक्सेप्शन? द लोन कैन बी गिवन टू सब्सिडरी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, क्योंकि वहां पे कॉमन डायरेक्टर्स हो सकते हैं. Then it can be given to a company which is registered under Section 25 of the Companies Act, मतलब Section 8 of the New Act, or a government company. ये तीनों में अगर common directorship भी है तो भी the loan can be given by a banking company to these specific three companies. तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ चेक करो, companies mentioned in brackets are exception. आपके module के अंदर कुछ bracket के अंदर डालने में mistake हो गया. Next, FEMA 99.
अभी फेमा के अंदर जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर देर आर नो चेंजेस, खाली इसके अंदर एक नया रेगुलेशन आया है हमारे लिए. ओके लेट्स रीड दैट रेगुलेशन. FEM फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया रेगुलेशन 2018 वॉज एनफोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मार्च 2018 थ्रू सो एंड सो नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, वर्डिंग्स चेक करना, प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में प्रॉपर्टी या तो एक्वायर कर रहा है या तो ट्रांसफर कर रहा हूँ. कौन कर रहा है? दिस इज डन बाय अ नॉन रेसिडेंट और एन ओसीआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन? नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स नथिंग बट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ PROI. PROI शायद आपने पहले सुना होगा. PROI स्टैंड फॉर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड इंडिया रह रहा है, बट दैट पर्सन यहां के लिए दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो यहां पे लिखा हुआ है, चेक करो, मीन्स अ PROI हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड OCI, OCI इंपॉर्टेंट नया कॉन्सेप्ट था, मीन्स PROI हु इज रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट. मतलब इवन दिस पर्सन इज अ PROI, लेकिन ही हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सो एंड सो रेगुलेशन और सो एंड सो एक्ट. नाउ रिपैट्रिएशन आउटसाइड इंडिया. रिपैट्रिएशन आउटसाइड इंडिया मीन्स बाइंग और ड्रॉइंग ऑफ फॉरेक्स फ्रॉम एन ऑथराइज डीलर इन इंडिया. इंडिया से विदड्रॉ कर रहे हैं एंड उसको सेंड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया. तो यहां पे दिस रेगुलेशन किसको एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया. एंड किसने किया है वो? दिस इज डन बाय NRI और एन OCI. OCI कौन है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब एक्चुअली वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, ही इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो ये स्पेसिफिक सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ही हैज बीन अ कार्ड होल्डर. ठीक है. अभी नॉर्मली ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इंडिया में. द पर्सन हु इज ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड. ठीक है. अभी अगर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं लेना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर आपको नहीं मिल रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. वो केस में गवर्नमेंट ने ये OCI वाला कॉन्सेप्ट चालू किया. गवर्नमेंट ने बोला ऑलरेडी वो कंट्री के सिटीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करना है जो इंडिया में खाली सिटीजन को ही परमिटेड है, तो वो केस में यू कैन गेट अ स्टेटस ऑफ OCI. मतलब आप ऑलरेडी परमानेंटली सिटीजन हो कोई दूसरे कंट्री के एंड इंडिया के, यू आर एन OCI, उसके लिए ये वाला रेगुलेशन आया. नाउ अभी यहां से आपके मेन रेगुलेशन चालू होते हैं. बहुत सिंपल है. अ NRI और एन OCI में एक्वायर वर्ड को मार्क करो वहां पे, एक्वायर इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन 3 स्पेसिफिक एसेट. ये 3 नहीं खरीद सकता, एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी. ये हमने फेमा के एक्सेप्शन के अंदर भी देखा हुआ है. एक्वायर इमोएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन दीज 3 एसेट्स प्रोवाइडेड. उसके लिए पेमेंट किससे होना चाहिए? जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आपको पैसा आया है आउटसाइड इंडिया से, या तो उसमें से पेमेंट करो, या फिर इंडिया में आपका जो नॉन रेसिडेंट अकाउंट आपने मेंटेन करके रखा हुआ है उसमें से पेमेंट करो, तो ही यू कैन एक्वायर एन इमोएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया. ठीक है. लेकिन कोई भी पेमेंट कैनॉट बी डन बाय ट्रैवलर्स चेक. ट्रैवलर्स चेक आर यूजली यूज बाय द टूरिस्ट. ठीक है. जब इंडिया में कहीं भी हम कहीं जाते हैं तो वी कैन यूज ट्रैवलर्स चेक, तो उससे पेमेंट नहीं होना चाहिए. पेमेंट खाली 2 ही मोड से होना चाहिए, बैंकिंग चैनल से आपको पैसा आया है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या फिर द मनी केप्ट इन द नॉन रेसिडेंट अकाउंट. नेक्स्ट, एक्वायर, वापस एक्वायर एनी इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन दोस 3 बाय वे ऑफ गिफ्ट. ऊपर तो हम परचेज कर रहे थे, यहां पे बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अ PRI और फ्रॉम NRI और फ्रॉम OCI. PRI से भी गिफ्ट मिल सकता है, NRI से भी मिल सकता है, OCI से भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड इन ऑल द केसेस ये लोग कौन होने चाहिए? दीज पीपल शुड बी आर रिलेटिव. आपको यहां पे दिख रहा होगा, शुड बी अ रिलेटिव. नेक्स्ट, एक्वायर एनी इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम PROI हु हैड एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी. मतलब आपको इनहेरिटेंस से मिल रहा है, PROI से मिल रहा है, जिसने ये प्रॉपर्टी परचेज किया था एज पर द लॉज, या फिर आपको ये इनहेरिटेंस में मिल रहा है फ्रॉम PRI. तो ठीक है, इनहेरिटेंस में 2 लोगों से मिल सकता है, या तो PRI से मिल सकता है या फिर PROI. PRI से मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PROI से मिल रहा है तो वो PROI ने जब उसको खुद को मिला था, दैट शुड बी एज पर द फॉरेन एक्सचेंज लॉस. नेक्स्ट, अभी तक सी पॉइंट तक जो भी आया था सब कुछ एक्विजिशन के बारे में आया था. अभी जो कुछ भी आने वाला है वो सब ट्रांसफर के बारे में आने वाला है. डी एंड ई पॉइंट हमें करना है. ट्रांसफर ऑफ एनी इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया टू PRI. PRI को कोई भी प्रॉपर्टी बेचो कोई इश्यू नहीं है. नेक्स्ट, ट्रांसफर एनी इमोवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दीज 3
टू एनआरआई और ओसीआई. बेसिकली उन लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं पीआरआई के साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन करो फ्रीली, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. बाहर वालों के साथ में कर रहे हो तो वो तीन एक्सेप्शन अभी भी वैलिड रहेंगे. ठीक है, अभी ये समरी दे दिया, इसमें आप ये लास्ट वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये नहीं करना है फिलहाल आपको. बाकी समरी सेम चीज है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. समरी के अंदर तीन वे से आप एक्वायर कर रहे थे, फर्स्ट वन वॉज परचेज, सेकेंड वन वॉज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एंड लास्ट वन वॉज इनहेरिटेंस. एंड सेल में दो आया था, पीआरआई को कर सकते हो बिंदास करो कोई भी एसेट कर सकते हो, एनआरआई या फिर ओसीआई को कर रहे हो तो वो तीन को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स कर सकते हो एंड दैट शुड बी प्रॉपरली ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट, अभी तक तो हम हमारे पर्सनल पर्पज के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे. अभी सपोज अगर कोई नॉन रेसिडेंट है इंडिया में आके कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट सम बिजनेस इन इंडिया, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिएगा. वो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज अभी इंडिया में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो द आंसर इज येस. चेक करो क्या लिखा है. अ पीआरओ हु हैज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद एफएम रेगुलेशंस अ ब्रांच ऑफिस और अदर प्लेस ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट सम एक्टिविटी इन इंडिया एक्सक्लूडिंग अ लाइजन ऑफिस. खाली कंप्लायंस ऑफिस नहीं है, उसके अलावा उसको एक्चुअली कोई इंडिया में कोई बिजनेस वगैरह करना है, उसके लिए अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज किया है तो उसके रेगुलेशन यहाँ पे दे दिए. चेक करो. एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विच इज नेसेसरी फॉर सच एक्टिविटी प्रोवाइडेड सारे रूल्स रेगुलेशन कम्प्लाई हुए प्लस उसने आरबीआई के साथ में डिक्लेरेशन फाइल किया विद इन 90 डेज ऑफ सच एक्विजिशन, मतलब परचेज करने के बाद में विद इन 90 डेज. नेक्स्ट, ट्रांसफर बाय वे ऑफ मॉर्गेज. दे रहा है ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज के फॉर्म में, मतलब सेल नहीं कर रहा है, किसी को सिक्योरिटी में दे रहा है टू एन ऑथराइज डीलर है सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोइंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन क्लॉज ए, जो ऊपर परचेज किया था उसको मॉर्गेज कर सकता है. प्रोवाइडेड नो पर्सन ऑफ सो एंड सो कंट्रीज शैल एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई. मतलब ये स्पेसिफिक कंट्री के जो पर्सन है दे कैन नॉट एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ आरबीआई. लेने से पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ है एक्सेप्शन में चेक करो. अदर देन लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे लेना है फॉर मैक्सिमम 5 years दैट कैन बी टेकन विदाउट टेकिंग आरबीआई का अप्रूवल. नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. ज्वाइंट एक्विजिशन बाय स्पाउस ऑफ एनआरआई और ओसीआई. अभी चेक करो, अ पीआरओ है नॉट बीइंग एनआरआई और ओसीआई, ये आपका नॉर्मल टिपिकल होता है. से फॉर एग्जांपल देयर वाज अ पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, दैट पर्सन हैज नाउ परमानेंटली शिफ्टेड टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो इंडिया के लिए कौन बन गया होगा वो? दैट पर्सन वुड बी अ पीआरओ नाउ. वो आउटसाइड इंडिया गया, वहां पे काम किया, वहां पे सेटल हो गया, वहां पे शादी कर लिया. शादी किया विथ अ पीआरओआई जो इंडिया का, जिसके साथ में कोई रिलेशन ही नहीं था. ही वॉज नॉट इवन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ना ही वॉज अ कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया. उसने उसके साथ में शादी कर लिया टोटली कोई दूसरे कंट्री के पर्सन के साथ में. नाउ दिस गर्ल हु वॉज इनिशियली स्टडिंग इन इंडिया, हु वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका भी इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करना है ज्वाइंट नेम विथ अपने स्पाउस के साथ में, तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो द आंसर इज मे एक्वायर वन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दोज थ्री एसेट्स जॉइंटली विथ हिज और हर एनआरआई और ओसीआई स्पाउस. ठीक है, चेक करो क्या बोला है. पीआरओआई नॉट बीइंग एनआरआई और ओसीआई हु इज स्पाउस ऑफ एनआरआई और ओसीआई, मतलब वन पर्सन हैज टू बी एनआरआई और ओसीआई एंड द अदर पर्सन हैज टू बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, तो वो एक्वायर कर सकता है जॉइंटली. प्रोवाइडेड कंसिडरेशन, जो पैसा पे कर रहा है वो किस में से है? जो इंडिया में रेमिटेंस हुआ था उससे, या फिर द अमाउंट मेंटेन्ड इन द नॉन रेसिडेंट अकाउंट सेम एज बिफोर. एंड एक और रिस्ट्रिक्शन था वहां पे भी, कौन से वाले चेक से हम पेमेंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मेक द पेमेंट थ्रू एनी ट्रेवलर्स चेक. अभी यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एक और कंडीशन डाल दिया कि ये लोग जो परचेज कर रहे हैं मैरिज होना चाहिए, कंटिन्यूड होना चाहिए, लास्ट 2 years में कंटिन्यूसली दे शुड बी हैविंग द स्टेटस ऑफ बीइंग मैरिड, कोई गैप वगैरह नहीं चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉन रेसिडेंट स्पाउस इज नॉट अदरवाइज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सच एक्विजिशन. जो वो टोटली अदर पर्सन था, जो फिरंगी था बेसिकली, उसके ऊपर उसके कंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो ही कैन डेफिनेटली परचेज इन जॉइंटली. नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स. अब ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, चेक करो क्या बोला है. अ पर्सन बींग अ सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वहां की सिटीजन है, बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन दोज कंट्रीज, नेमली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, वहां के सिटीजन है, यहां पे रह रहे हैं,
एंड हैज बीन ग्रांटेड अ लॉन्ग टर्म वीजा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में अलॉट हुआ है उनको, मे परचेज ओनली वन रेसिडेंशियल इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया एज ड्वेलिंग यूनिट, मतलब जहां पे रह सकता है, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड ओनली वन इमोवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू कंडीशन सब्जेक्ट टू सो एंड सो रेगुलेशन. मतलब वो कंट्री के सिटीजन है, इंडिया में आके रह रहे हैं, इंडिया में उनको लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इंडिया में जहां पे भी रह रहे दे कैन परचेज वन इमोवेबल प्रॉपर्टी, एंड अगर इंडिया में बिजनेस भी कर रहे हैं तो दे कैन हैव वन मोर इमोवेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, अभी अगर इनको इमोवेबल प्रॉपर्टी सेल करना है जो भी हमने अभी पढ़ा, तो इनको सबसे पहले तो दे शुड हैव इंडियन सिटीजनशिप. अगर इनके पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो सेल करने से पहले इनको रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा. अब वो कौन से रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है वो यहाँ पे दिया हुआ है, डीसीपी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस एफआरओ और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस. इन तीनों में से कोई भी अथॉरिटी का अगर आपने जाके परमिशन ले लिया तो यू आर अलाउड टू ट्रांसफर द इमोवेबल प्रॉपर्टी. सो दिस वॉज बेसिकली एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी बाय एनआरआई और ओसीआई. अलग अलग उन्होंने सर्कमस्टांसेस बोल दिया, पहले नॉर्मल परचेज का बात किया, फिर गिफ्ट का बात किया, फिर इनहेरिटेंस का बात किया, देन ट्रांसफर का बात किया टू पीआरओआई एंड ट्रांसफर टू पीआरआई. फिर उसके बाद में इंडिया में आके बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए इमोवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं क्या. फिर उसके बाद में उन्होंने बोला नेक्स्ट जो आपने पढ़ा था दैट वॉज ज्वाइंट एक्विजिशन, एक यहां का सिटीजन है एक यहां का सिटीजन है ही नहीं, दोनों ज्वाइंटली परचेज कर सकते हैं, उसके कंडीशन पड़े एंड उसके अंदर लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स उनके बारे में कुछ पढ़ा. सो दिस वॉज द ओनली न्यू इंसर्शन इन योर फेमा चैप्टर. सो बेसिकली न्यू कोर स्टूडेंट्स, हमारा सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है एक्सेप्ट एक चीज बाकी रहती है, दैट इज वैल्यूएशन जो हम करेंगे, जिसके लिए आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे से. ओल्ड कोर स्टूडेंट्स आपका दो चैप्टर बाकी रहता है, दैट इज डिविडेंड एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो हम अभी विल कंटिन्यू इट आफ्टर द ब्रेक. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एप्लीकेबल ओनली फॉर द ओल्ड कोर्स. न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो तो शायद आपको कहीं ऑडिट में काम आ जाएगा, वो भी सेकंड चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 123(1) व्हिच वाज टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. अब ये तो आपको याद होना चाहिए, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर आउट ऑफ व्हाट. सो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स और इट कैन बी डिक्लेयर आउट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स प्रॉफिट, या फिर दोनों में से डिक्लेयर कर सकता है. एंड नेक्स्ट वाला वॉज यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ मनीज विच इज गारंटीड और द मनी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे वॉट इज द अमेंडमेंट, द अमेंडमेंट इज दे हैव डिलीटेड दिस वर्ड और, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और करके वर्ड है, दिस हैज बीन डिलीटेड. सो नाउ बेसिकली इट इज लाइक 123 सबसेक्शन 1 एंड उसके बाद में क्लॉज ए, इसके अंदर देर आर 3 पॉइंट्स नाउ, दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स एंड उसके बाद में आउट ऑफ ए एंड बी. रेस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन सेक्शन 123(1)(b). ठीक है, सो नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 123(1)(a) दैट डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स और आउट ऑफ बोथ, एंड 123(1)(b) व्हिच सेज दैट द डिविडेंड कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ मनी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो हियर द वर्ड और इज डिलीटेड. नेक्स्ट, सेम न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड टू द अबव सबसेक्शन. जहां पे भी द वर्ड प्रॉफिट इज कमिंग, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट और आउट ऑफ बोथ प्रॉफिट्स, वहां पे प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड गेन्स. जो भी अनरियलाइज्ड है, नोशनल है, विच इज ड्यू टू एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, दोज रिजर्व आर नॉट टू बी कंसिडर्ड. एग्जाम्पल, योर बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व. एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व में इफ देर इज अ पॉजिटिव फिगर, इन दैट केस द अमाउंट दैट हैज कम इन टू दिस एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ रियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अभी तक रियलाइज नहीं हुआ तो उसमें से डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर. दिस इज द न्यू प्रोविजन. नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग प्रोविजन को इन्होंने अमेंड किया. अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन में क्या अमेंडमेंट किया है, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, तो ये वो वाले प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर होना चाहिए विच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू फ्री रिजर्व. अगर लास्ट टाइम के प्रॉफिट्स था तो वही प्रॉफिट में से डिक्लेयर कर सकता है विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू फ्री रिजर्व स्पेसिफिकली. अगर उससे आपने कोई दूसरा रिजर्व बनाया है तो उसमें से कोई दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व में से द डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ग्रीन में लिखा हुआ है, इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फ्री रिजर्व. नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, न्यू पॉइंट आया है यहाँ पे. पहली बात तो इंटरिम डिविडेंड न्यू इंसर्शन है, देख लो यहाँ पे.
इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकता है? इट कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम क्लोज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च, क्लोज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ एजीएम. उसके बीच में अगर कंपनी में सफिशियंट प्रॉफिट्स है तो इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ड्यूरिंग दैट पीरियड. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम, आउट ऑफ तीन चीजों में से डिक्लेयर कर सकते हो. फर्स्ट वन आउट ऑफ पीएनएल अकाउंट, सेकेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, दैट इज द सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड वन आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. मतलब सपोज इफ आई एम डिक्लेयरिंग द डिविडेंड ऑन से 10th ऑफ जुलाई, देन ऑल द प्रॉफिट्स टिल 30th ऑफ जून, द प्रीसीडिंग क्वार्टर, वहां तक के प्रॉफिट्स में से यू कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड. सो थ्री पॉइंट्स, फर्स्ट वन आउट ऑफ सरप्लस ऑफ द पीएनएल अकाउंट, सेकेंड वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, एंड थर्ड वन इट कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स टिल द क्वार्टर एंडिंग प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. देन नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंट्स एंड ऑडिट. अकाउंट्स एंड ऑडिट वेरी सिंपल, सेक्शन 129 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट. इन दैट देयर इज एन एक्सेप्शन, AS 22 व्हिच टॉक्स अबाउट डेफर्ड टैक्स और करस्पॉन्डिंग इंड AS 12 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी. मतलब उसको ये इसके प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अब ये कौन सी कंपनी है? दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज आइदर अ PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और NBFC. इफ आई यूज द वर्ड्स PFI और NBFC, दैट मीन्स द कंपनी इज एंगेज इन टू फाइनेंस बिजनेस. सो नाउ इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लीजिंग, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग विथ एट लीस्ट 75% ऑफ इट्स रेवेन्यू, 75% ऑफ इट्स रेवेन्यू शुड बी जनरेटेड फ्रॉम सच बिजनेस विथ अदर गवर्नमेंट कंपनीज और अदर एंटिटीज विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, AS 22 और इंडियस 12 इज नॉट एप्लीकेबल टू सच अ कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज अ PFI और NBFC, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वेर एट लीस्ट 75% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज फ्रॉम सच बिजनेस विच इज विथ अनदर गवर्नमेंट कंपनी और एनी एंटिटी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. तो उनको AS 22 का प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल. जस्ट मेक एन इंसर्शन ऑफ वन न्यू पॉइंट हियर, स्टार्ट राइटिंग देयर, वेर एवर यू हैव सम स्पेस प्लीज राइट देयर. AS 17 किसके ऊपर है? AS 17, AS 17 इज ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग. AS 17 इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज, AS 17 इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन. AS 17 इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन. दिस इज वन मोर पॉइंट जो आपके RTP के अंदर आया था, सो प्लीज एड हियर. नेक्स्ट सेक्शन 130 बहुत सिंपल सेक्शन था, री ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स. कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है तो वी हैव टू री ओपन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है. री ओपनिंग इज यूजुअली डन व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्राइब्यूनल और इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेट्रा, ठीक है. अभी वहां पे एक्सेट्रा में उन्होंने क्या डाल दिया, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह तो है ही, और एनी अदर पर्सन कंसर्न्ड, जो भी रेलेवेंट पर्सन है. अगर सपोज वो कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिनेशन में नहीं आता, तो फिर उन्होंने क्या बोल दिया, और एनी अदर पर्सन कंसर्न. अगर ये एनी अदर पर्सन कंसर्न ने एप्लीकेशन किया फॉर री ओपनिंग, द कोर्ट शैल कंसिडर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी री ओपन्ड. अभी उन लोग बोल रहे हैं री ओपनिंग ऑफ बुक्स, न्यू इंसर्शन हुआ, अच्छा पॉइंट है ये. कोई भी ऑर्डर फॉर री ओपनिंग अंडर द अबव सबसेक्शन कैन नॉट बी मेड फॉर अ पीरियड अर्लियर देन 8th फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब जो भी आपका रीओपन करवाना है, जितने भी ईयर्स के लिए आपका प्रोविजन है, वो एटलीस्ट लास्ट 8 ईयर्स में होने चाहिए, उससे पुराने नहीं हो सकते. क्यों उससे पुराने नहीं हो सकते? बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 8 ईयर्स. लेकिन वही वाले सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 128 के अंदर वहां पे उन लोगों ने लिखा हुआ है, यस 128 सबसेक्शन 5, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोलता है दैट यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर मोर देन 8 years, then you are liable to maintain the books of accounts for the extended number of years. In that case, suppose CJ ने मुझे बोला कि आपको extra 2 years के लिए maintain करना, मतलब the total number of years applicable to me is 10 years now.
सो अभी रीओपनिंग हो सकता है, वो 10 ईयर्स में से हो सकता है बट नॉट प्रिसीडिंग द 10 ईयर. ओके, नेक्स्ट 132 इम्पोर्टेंट नया आया है, नाफरा सब लोग ने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी विच इज बेसिकली और मे बी इट इज गोइंग टू रेगुलेट द ICA. ठीक है, अभी नाफरा इज देयर अंडर द कंपनीज एक्ट इन सेक्शन 132 के सारे सेक्शन अब तक नोटिफाई नहीं हुए. इफ यू गो एंड चेक द बेयर एक्ट 132 के अंदर 30th नवंबर तक दो सेक्शन नोटिफाई हुआ है, वन इज सेक्शन 132(3) एंड द अदर वन इज सेक्शन 132(11). तो हम भी हमारे आपके बुक्स के अंदर खाली इतना दिया हुआ है कि 132(3) एंड 132(11) हैज बीन नोटिफाइड. जस्ट फॉर अ सेफर साइड लेट्स रीड द कंटेंट ऑफ सेक्शन 132(3) एंड 132(11). बहुत सिंपल है, चेक करो यहाँ पे क्या बोला है. अच्छा, एक और चीज जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है अगर आप बाद में कोई दूसरी बुक्स वगैरह ओपन करोगे तो, द अदर सब सेक्शन आर येट टू बी नोटिफाइड बट द अदर सेक्शन हैव बीन अमेंडेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट. तो शायद हो सकता है कि आपको आरटीपी के अंदर 132(4) भी दिखे लेकिन 132(4) एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसका अमेंडमेंट पढ़ के भी देर इज नो पॉइंट. तो हम वही प्रोविजन पढ़ने वाले विच इज एप्लीकेबल. 132(3) कॉम्पोजिशन ऑफ नाफरा, नाफरा के अंदर कौन कौन रहेगा बेसिकली उसका बात कर रहा है. एक चेयरपर्सन रहेगा, उसकी तारीफ कर दी, हु शैल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग एक्सपर्टीज इन ग्रुप वन के चारों पेपर्स, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ, ये चारों में से किसी में भी उसका एक्सपर्टीज, एमिनेंस, नॉलेज, ये इंटीग्रिटी एक्सेट्रा रहना चाहिए. किसका रहना चाहिए? ऑफ द चेयरपर्सन हु इज गोइंग टू बी चेयरपर्सन ऑफ द नाफरा. And this person will be appointed by the CG and such other members. दूसरे members भी appoint होंगे. Maximum कितने members बोल दिया उन्होंने? 15-15 के अंदर दो type के रहेंगे, part time भी रहेंगे and full time भी रहेंगे. Next, इनके terms, condition, क्या terms of appointment रहेगा, क्या salary रहेगा, etc. That is yet to be prescribed. तो बहुत safe हो गए आप, it shall be such as may be prescribed. Next, उसके बाद में ये जो भी लोग appoint हो रहे हैं, they have to make a declaration to the central government. That there is no conflict of interest or there is no lack of independence. मतलब conflict भी नहीं है, दूसरा independence है, ऐसा declaration उनको देना पड़ेगा to the central government. Then next, अच्छा जो भी full time members है and chairperson है, उन लोग कोई भी audit firm के साथ में उनका relation नहीं रहना चाहिए, या फिर कोई भी consultancy firm है उसके साथ में उनका relation नहीं रहना चाहिए. Now this is very logical, क्यों relation नहीं रहना चाहिए? Because there should be something called as independence. This is applicable for the chairperson and the full-time members. उनके लिए ये restriction is applicable. ठीक है, and जब भी वो लोग यहाँ पे as chairperson या फिर as full-time member है, तब they cannot be associated. Plus ये post छोड़ने के बाद में 2 years तक they cannot be into any relationship with any audit firm. Basically उनके ऊपर cooling period आ गया वहाँ पे. Next, 132(11). 132(3) के अंदर हमने पढ़ा कि मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, चेयरपर्सन अपॉइंट होता है. 132(11) के अंदर एक्चुअली काम करने वाले लोग अपॉइंट होते हैं, मतलब सेक्रेटरी आएगा पिक्चर में, सेक्रेटरी के अंदर कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, सेफ आंसर वापस है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ओके, तो यहाँ पे सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड सच अदर एम्प्लॉयज. बेसिकली उन लोग क्यों अपॉइंट हो रहा है? क्योंकि उन लोग एक्चुअली दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म द functions of NAFRA. Next, section 136 subsection 1, right of members to copies of audited financial statements. हमने ये पहले बचपन से सुना हुआ है कि अगर AGM का आपको notice देना है तो that has to be given 21 days clear days in advance. And notice के साथ में आपका financial statements etc. सब जाता है. साथ में अभी हमने सेक्शन 136(1) के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो भी members होते हैं they have a right to receive the audited financial statements. So that before they come to the AGM, they can read, they can understand the financial statements. अभी suppose what if हमारे पास 21 clear days नहीं है, shorter notice पे हम ये सब call कर रहे हैं, तो उन लोग बोल रहे हैं आप ये कर सकते हो, provided that if copies of documents are sent less than 21 days before the meeting, they shall be deemed to have been duly sent if it is so agreed by members. मतलब short notice पे हम उनको भेज सकते हैं, provided कुछ condition fulfill होना चाहिए. अभी क्या condition fulfill होना चाहिए? जो कंपनी में शेयर कैपिटल है वो केस में एटलीस्ट 95% मेंबर्स शुड अग्री कि ये शॉर्टर नोटिस ओके. जो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, एग्जाम्पल गारंटी कंपनी, वो केस में एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स आर होल्डिंग द वोटिंग पावर शुड अप्रूव दिस शॉर्टर नोटिस. सो सेम थिंग दे हैव रिटन हियर, एटलीस्ट 95% ऑफ PUSC
शेयर कैपिटल है तो, एंड अगर नहीं है तो फिर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. अगर इतने लोगों ने हाँ बोल दिया एट द मीटिंग तो फिर द बुक्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी सेंट एट अ शॉर्टर नोटिस. ठीक है, फिर दूसरा उसके अंदर और क्या ऐड किया. कोई भी लिस्टेड कंपनी है जिसकी कोई भी सब्सिडरी है तो एवरी लिस्टेड कंपनी उसको अपने वेबसाइट में इट हैज टू प्लेस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच ऑफ इट सब्सिडरी. उसके जितने भी सब्सिडरी रहेंगे उसके सेपरेट कंसो तो प्लेस करना ही पड़ेगा, कंसोलिडेटेड तो प्लेस करना ही पड़ेगा, प्लस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी. दिस इज मैंडेटरी फॉर अ लिस्टेड कंपनी. अभी उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, अगर ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी है जिसकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज माई सब्सिडरी कंपनी, इन दैट केस अगर वो फॉरेन सब्सिडरी को एज पर इट्स कंट्री का लॉ इट इज सपोज टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कब कंसोलिडेट बनाएगा, अगर उसका कोई और सब्सिडरी एसोसिएट होगा तो इवन इफ आई प्लेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट सब्सिडरी ऑन माई वेबसाइट तो भी द अबाव रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड. नॉर्मल एज पर द अबाव रिक्वायरमेंट क्या था, क्या प्लेस करना था आपको, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट सब्सिडरी, बट वो सब्सिडरी ने अपना सीएफएस बना के रखा हुआ है तो आई कैन इवन प्लेस द सीएफएस ऑफ दैट कंपनी. नेक्स्ट, सपोज अगर वो सब्सिडरी है जिसको उसके कंट्री के हिसाब से ऑडिट करवाना इज नॉट कंपल्सरी, तो फिर वो वाली सब्सिडरी ने अपना अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के रखा होगा, आई कैन प्लेस दैट अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन माय वेबसाइट प्रोवाइडेड दैट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज देन द लैंग्वेज शुड बी और द डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश टू द एक्सटेंट पॉसिबल. नाउ डाउट, मैम उसने ऑडिट क्यों नहीं करवाया, बिकॉज दैट ऑडिट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द लॉज ऑफ दैट पर्टिक्यूलर कंट्री. वेरी क्लियर विद दिस. नेक्स्ट, Section 136(2), वेरी सिंपल. मेंबर्स और डिबेंचर ट्रस्टीज राइट टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर. ऑल द मेंबर्स द डिबेंचर ट्रस्टीज हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंस्पेक्शन इज वन थिंग, दे कैन ऑल्सो कॉल फॉर द कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड द कॉपीज. ठीक है, नाउ अ कंपनी विच वॉज हैविंग सब्सिडरी जिसको अपने वेबसाइट वगैरह पे प्लेस करना था, उसने या तो अपने वेबसाइट पे ऑडिटेड प्लेस किया होगा या फिर अभी जो हमने पढ़ा था उसने अनऑडिटेड प्लेस किया होगा. सो इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी टू प्रोवाइड द मेंबर और डिबेंचर ट्रस्टी और एनी अदर पर्सन कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच एवर दैट पर्सन हैज आस्क्ड फॉर. नेक्स्ट, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, वेरी सिंपल सेक्शन. रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एक्सेट्रा एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले कि जब भी आपका रेजिग्नेशन हो रहा है, ऑडिटर इज रिजाइनिंग, तब ही हैज टू गिव अ स्पेशल नोटिस, प्लस ही हैज टू स्टेट द रीजंस व्हाई इज ही लीविंग द कंपनी, व्हाई इज ही रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी. इफ ही डज नॉट गिव दैट रीजंस देन ही इज लायबल. ओके, अब वो क्या लायबिलिटी है, उसका पनिशमेंट दिया हुआ है, मिनिमम फाइन 50,000 रुपीज और रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, बट जितना भी कर लो दिस फाइन कैन नॉट एक्सीड रुपीज 5 lakh. This is applicable when the auditor. This is applicable on the auditor when he is not fulfilling the requirements for removal, resignation, and stating the reasons thereof. So minimum penalty kitna rupees ka tha? 50,000 up to, it can go up to remuneration of the auditor. In dono mein se whichever is lower. Lower hone ke baad mein, if this amount exceeds rupees 5 lakhs, then it has to be restricted up to rupees 5 lakhs. Next. अभी नेक्स्ट अमेंडमेंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई के अंदर, विच वॉज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन. पहली बात तो ये जो नोट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्जिस्टिंग पॉइंट ए शैल बी सब्स्टिट्यूट विद इन पॉइंट 4, उसको आप कट करके लिख दीजिए, एग्जिस्टिंग पॉइंट 9 नंबर विल बी सब्स्टिट्यूटेड. इसमें पहले एक पॉइंट हुआ करता था रिलेटिंग टू सेक्शन 144 विच वॉज टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड. अभी उन्होंने वो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके टोटली नया डाल दिया. अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर्ड टू इन सेक्शन 144. 144 मींस द सेम सेक्शन जिसमें यू प्रोवाइड दिस बुक कीपिंग सर्विस और एनी एक्चुअल सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, देन दैट पर्सन विल बी टोटली डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर. एंड योर If you are providing the service to the company or to its holding company or to its subsidiary company, basically directly or indirectly, if you are providing this service, so the auditor will be totally disqualified. आपके book के अंदर, अपने handwritten book के अंदर, जो 3.24 page पर है, point number 9, that will be totally substituted. Next,
प्रोविजो टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 राइट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी. नाउ सपोज इफ यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, यू विल हैव राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एज वेल एज अ सब्सिडियरी कंपनी, बिकॉज यू आर द ऑडिटर हु इज एक्चुअली गोइंग टू डू द कंसोलिडेशन. अब देखने वाले हो, चेक करने वाले हो. तो उन्होंने बोल दिया होल्डिंग का तो देख ही सकता है, सब्सिडियरी का देख सकता है, प्लस साथ में एसोसिएट कंपनी का भी तो देख सकता है, बिकॉज ये कंसोलिडेशन होगा वो तो सबका होने वाला. सो यहाँ पे खाली वर्ड्स एड कर दिया यहाँ पे, दैट इज एसोसिएट कंपनी. नेक्स्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बहुत सिंपल है. ऑडिटर इज सपोज टू रिपोर्ट ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. लेकिन अभी कौन सा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अकाउंटिंग से रिलेटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, एम्प्लॉय से रिलेटिंग इंटरनल कंट्रोल, किससे रिलेटिंग? तो ऑब्वियसली इफ ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट देन इट हैज टू बी द रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही ऑडिटर कैन रिपोर्ट, उससे रिलेटिंग इंटरनल कंट्रोल से ही कैन रिपोर्ट. तो क्या चेंजेस किया, चेक करो यहाँ पे. कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, सिस्टम वर्ड हटा दिया, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. खाली उतना इंटरनल कंट्रोल विच आर रेलिवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट 143.14 एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 143. जो भी नॉर्मल ऑडिटर के पावर्स ड्यूटीज राइट्स होता है सेम इज एप्लीकेबल एज इट इज टू कंपनी सेक्रेटरी एंड टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट. वहां पे वर्ड्स हुआ करता था कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब 148 कॉस्ट ऑडिट कर सकता था. दैट वॉज इनिशियली ऐसा था कि इट कैन बी डन ओनली बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. वहां से इन प्रैक्टिस वर्ड को हटा दिया, तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी इन प्रैक्टिस वर्ड हैज बीन रिमूव्ड. कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एज इट इज इट रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट सेक्शन 147 पनिशमेंट पेनल्टीज के ऊपर है. मैं यूजुअली नहीं करवाती पेनल्टीज बट अमेंडमेंट हुआ है तो लेट्स डू दिस. सेक्शन 147 पेनल्टी ऑन कंपनी. जहां पे कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था अंडर सेक्शन 139 से 146 कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने थे आरओसी को रिगार्डिंग ऑडिटर, या फिर कंपनी को एक्स वाई जेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था कंपनी के ऊपर लेकिन कंपनी ने वो फुलफिल नहीं किया, तो कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन. रेंज देखो 25,000 से लेके 5 लाख रुपीज तक का रेंज हो सकता है. कंपनी के अंदर जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल का, या फिर उनके ऊपर रेंज वाइज पेनल्टी आ सकती है बिटवीन रूपीज 10,000 टू रूपीज 1 लाख इफ दे हैव कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजन बिटवीन सेक्शन 139 टू सेक्शन 146 ऑब्वियसली बोथ इंक्लूसिव. तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगा बिटवीन अ रेंज ऑफ 25,000 टू 5 लाख रुपीज. डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर जेल आ सकता है 1 साल तक का, एंड उसके बीच में रेंज हो सकता है, फाइन का रेंज हो सकता है 10,000 टू रूपीज 1 लाख या फिर बोथ. 147 सबसेक्शन 2 बहुत सिंपल है. 147 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर ऑडिटर ने कोई प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए हैं तो ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी आएगा. ठीक है, अभी कितना रुपीज का आएगा वो चेक करो. वहां पे फाइन ऑफ 25,000 टू 5 लाख सेम रेंज आ गया 25,000 टू 5 लाख. और ये तो पहले से था, ये जो 25,000 टू 5 लाख तो पहले से था. और 4 times द रेमिनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लोअर. ये एक्स्ट्रा है, इतना ध्यान रखना. पहले वाला जो था दैट वॉज ऑन द कंपनी, अभी वाला जो है दैट इज ऑन द ऑडिटर. अच्छा, उसके नीचे अगर ऑडिटर ने कुछ जानबूझ के किया नोइंगली किसी को डिसीव करने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है. वहां पे रेंज देखो बदल जाती है, 50,000 से लेके रूपीज 25 लाख तक का पेनल्टी हो जाता है. और 8 times द रेमुनरेशन विच एवर इज लोअर. ऊपर कितना था? ऊपर द रेंज 25,000 से 25,000 से 5 लाख रुपए तक था. और 4 times द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लोअर. अभी अगर जानबूझ के कुछ किया है तो फिर 50,000 रुपए से लेके 25 लाख रुपया तक है. और 8 times द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लोअर. 147 सबसेक्शन 3 उन लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं अगर ऑडिटर इज कन्विक्टेड इन द अबाव सेक्शन तो उसने अभी उसने जो भी रेम्यूनरेशन अर्न किया है वो उसको रिफंड बैक करना पड़ेगा. प्लस उसके एक्ट के वजह से जिसको भी नुकसान हुआ है, मेंबर्स हो, क्रेडिटर्स हो और एनी कंसर्न पर्सन, दिस ऑडिटर इज सपोज टू कॉम्पनसेट विद द डैमेजेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड एक्स्ट्रा एड हुआ है डैमेजेस, जो पहले कंपनी को अगर कुछ हुआ तो, बॉडीज को अगर कुछ हुआ तो, अथॉरिटीज को कुछ हुआ तो, मेंबर्स क्रेडिटर्स को भी अगर कुछ होता है तो ऑडिटर इज लायबल. दिस इज सेक्शन 147 सबसेक्शन 3. नेक्स्ट 147 सबसेक्शन 4 बहुत सिंपल सेक्शन है. क्या बोल रहा है चेक करो. उन्होंने बोलते हैं ऊपर डैमेजेस वगैरह पे करना था, डैमेजेस वगैरह रिकवर करने के लिए सीजी एक ऑफिसर अपॉइंट कर देगा. बोलेगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक कि ऑडिटर ने सब रिफंड किया कि नहीं किया. दूसरा, जिस जिसका भी लॉस हुआ उसको वो डैमेजेस वापस से मिला कि नहीं मिला. एंड जैसे ही आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है उसके अंदर कमेंट रिपोर्ट टू मी, कमेंट रिपोर्ट टू मी मतलब कमेंट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट.
तो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से वी आर अपॉइंटिंग अ पर्सन हु इज गोइंग टू कीप अ लुक ऑन द ऑडिटर वेदर ही इज फुलफिलिंग द प्रोविजंस ऑफ द अबव सेक्शंस और नॉट. नेक्स्ट वन सेक्शन 147 सबसेक्शन 5, ये भी बहुत सिंपल था. जहां पे भी ऑडिट फर्म इज लायबल वहां पे जो मॉनिटरी फाइन आएगा दैट विल बी ऑन द फर्म एज वेल एज ऑन द डिफॉल्टिंग पार्टनर्स. लेकिन जहां पे भी कोई जेल वाला लाइबिलिटी आता है तो इट इज ऑब्वियसली ऑन द डिफॉल्टिंग पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म. ये आपके कंपनीज एक्ट में भी बहुत बार आया, सेम है यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए डाल दिया. ठीक है, तो वो वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाले प्रोविजंस के अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अदर देन फाइन इसके अंदर लिखा है. देखो लाइबिलिटी अदर देन फाइन, तो फिर द कंसर्न पार्टनर और पार्टनर्स जिसने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया दैट पर्सन शैल बी लायबल. नेक्स्ट 148(3) हमारा ऑलरेडी करके हो चुका है. जो कॉस्ट ऑडिट हो रहा है वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना जरूरी नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटेंट जिसने क्वालिफाई कर लिया दैट पर्सन कैन डू द कॉस्ट ऑडिट. दूसरा एक और चीज, कॉस्ट ऑडिटर्स को स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर इश्यूड बाय देयर इंस्टीट्यूट. अगर आपको पता होगा तो उनके इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो गया है. पहले इट वॉज ICWAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अभी इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो वो एक चीज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की भी है. ठीक है, नेक्स्ट हो गया. इतने सी अमेंडमेंट्स थे, हार्डली फ्यू अमेंडमेंट्स एंड वी आर डन विद द अमेंडमेंट्स फॉर द ओल्ड कोर्स ऑल्सो. अभी खाली एक ही चीज बाकी रहती है हमारी, दैट इज वैल्यूएशंस विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वैल्यूएशंस बहुत थोड़ा सा है, 4 to 5 pages का हार्डली आपके अमेंडमेंट्स है, जिसके लिए आपको नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे फ्रॉम अवर वेबसाइट commerceeduworld.com. ठीक है, अब ऑल यू हैव टू डू इज ये वाले जो अमेंडमेंट्स है इसको खाली एक बार जाके फिर से रीड कर लो, सो दैट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द अमेंडमेंट. बाकी कुछ खास कुछ बड़ा नहीं हुआ है. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ लॉ अमेंडमेंट्स नाउ, द वैल्यूएशन पार्ट. जैसे मैंने आपको बोला था कि हम वैल्यूएशंस करेंगे क्योंकि उसके वैल्यूएशन के रूल्स अभी आपके आरटीपी के अंदर आए हुए. वैल्यूएशन वाला सेक्शन 247 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका था फ्रॉम 18th October 2017, बट उसके अंदर अभी काफी रूल्स वगैरह आ चुके हैं आपके आरटीपी के अंदर. सो लेट्स सी द इम्पोर्टेंट रेलेवेंट पार्ट ऑफ दोज रूल्स. सबसे पहले तो सेक्शन 247 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है पहले वो कर लेते हैं. 247 ऑलरेडी आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, अमेंडमेंट क्या आया है. सबसे पहले तो ये चेक करो जो मैंने अभी आपको बोला, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया था फ्रॉम 18th October 2017. इसके अंदर अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट यहाँ पे दो जगह पे हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वैल्यूड बाय करके आपको दिख रहा है, बाय अ पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. जो भी आपका नेटवर्थ हो गया, एसेट्स हो गया, दैट शुड बी वैल्यूड बाय अ पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड रजिस्टर्ड एज अ वैल्यूअर. पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड रजिस्टर्ड एज अ वैल्यूअर वॉट एवर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब. एंड दिस पर्सन, ये पॉइंट ऑलरेडी पहले से था कि दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड बाय द ऑडिट कमिटी, एंड जो कंपनीज के केस में ऑडिट कमिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है वो कंपनीज में BOD अपॉइंट करेगा. ठीक है, सो दिस वॉज वन पॉइंट जो आपके आरडीपी के अंदर दिख रहा हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये जो भी मैं आपको वैल्यूएशन वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ दिस इज फ्रॉम योर आरटीपी. मैंने ये बेस लिया है ओल्ड आरटीपी, ओल्ड कोर्स का जो आरटीपी है उसको बेस लिया हुआ है. न्यू कोर्स स्टूडेंट्स भी यही सेम फाइल को फॉलो कर सकते हो, आपको मिल जाएगा यहां से सब कुछ. सेकेंड अमेंडमेंट जो यहाँ पे आया है दैट इज आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 करके दिखेगा, चेक करो पॉइंट नंबर 2 के अंदर डी वाला पॉइंट, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है. लेट्स रीड दिस पॉइंट. पहली बात उन्होंने बोला द वैल्यूअर अपॉइंटेड अंडर अबाउ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट्स इन विच ही हैज सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट. बट यहाँ पे और कुछ क्लैरिफिकेशन आया, चेक करो, शैल नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट्स इन विच ही हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और बिकम सो इंटरेस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 years प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज अ वैल्यूअर और 3 years आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स वॉज कंडक्टेड बाय हिम. बेसिकली जब भी वो अपॉइंट हुए हैं एज अ वैल्यूअर, उससे 3 साल पहले उनका वो पर्टिकुलर एसेट जिसका वो वैल्यूएशन करने वाला है उसके अंदर दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड. एंड सेकेंड वन, उन्होंने बोला है कि जिस दिन पे भी आप इंटरेस्टेड बन गए हो उसके 3 साल के बाद तक यू कैनॉट डू द वैल्यूएशन. चेक करो, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 years प्रायर टू द अपॉइंटमेंट एज वैल्यूअर और 3 years आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स वॉज कंडक्टेड बाय हिम. कौन से वाले एसेट्स का बात कर रहे हैं, जो भी एसेट के अंदर दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड उसके 3 साल के बाद तक भी वैल्यूएशन कैनॉट बी डन बाय दिस पर्सन. दिस प्रोविजन हैज बीन बेसिकली इंसर्टेड टू मेक श्योर अबाउट द इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो 247 के अंदर खाली ये दो अमेंडमेंट हुए थे. अभी उसके आगे चलते हैं.
हाँ, अभी अगर आपको याद होगा, ये आपके आरटीपी के अंदर लास्ट में अमेंडमेंट बोल के दिख रहा है, अगर आपको याद होगा तो 247 के अंदर हमने कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजन पढ़ा था कि सपोज इफ एनी पर्सन इज एक्टिंग एज अ वैल्यूअर एंड दैट पर्सन मे कंटिन्यू टू रेंडर द वैल्यूएशन सर्विसेज विदाउट होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू 31 मार्च 2018. तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, ये जो आपका डेट था 31 मार्च, उसको उन्होंने शिफ्ट करके कर दिया 30 सितंबर 2018 तक आपके ट्रांजिशनल प्रोविजन एक्सटेंड हो गए. नेक्स्ट, उसी ट्रांजिशनल प्रोविजन के अंदर एक ऐसा पॉइंट था, अगर कोई वैल्यूअर है हु वाज अपॉइंटेड बिफोर 31 मार्च 2018, लेकिन उनका 31 मार्च 2018 तक वैल्यूएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने उनको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया था, दैट इज दे हैव टू कंप्लीट द वैल्यूएशन अप टू 30th of June 2018. वो डेट को भी, 30th June 2018 को भी उन लोग आगे तक लेके गए, दैट इज टिल 30th September 2018. सो बेसिकली ट्रांजिशनल प्रोविजन के अंदर जो भी डेट पहले हुआ करती थी, दैट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय 30th September 2018. नाउ लेट्स गो टू द रूल्स जो यहाँ पे नए आए हैं. आपके रूल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चेक करो आरटीपी के अंदर. नोटिफिकेशंस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 वाइज नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो. दीज रूल्स ऑब्वियसली हैव टू बी रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 247. रूल्स के अंदर हम सारी चीज ऑब्वियसली नहीं करने वाले, लेकिन रूल के अंदर जो भी रेलेवेंट पॉइंट है, येस वी आर गोइंग टू डू दैट. सबसे पहले डेफिनेशन दिया हुआ है, दिस इज अ वन टाइम रीड डेफिनेशन. डायरेक्टली यू कैन कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर. जो वैल्यूअर्स की बात कर रहे हैं, जो लोग वैल्यूएशन करने वाले हैं, उनका एलिजिबिलिटी का बात किया हुआ है. चेक करो क्या बोला हुआ है यहाँ पे. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इज अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ अ रिकग्नाइज्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सबसे पहले देर इज गोइंग टू बी अ रिकग्नाइज्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर्स रहेंगे. उसके मेंबर्स कौन रहेंगे, उसके मेंबर्स विल बी द वैल्यूअर्स. ठीक है. नेक्स्ट, that person, जो भी वो वैल्यूअर है, ही इज रिकमेंडेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम अ वैल्यूअर मेंबर. थर्ड वन, उसे वैल्यूएशन एग्जाम पास करनी होनी चाहिए. कितने टाइम के अंदर, विदिन 3 years प्रिसीडिंग द डेट वेन ही इज मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब जब भी वो वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में जाके रजिस्टर हो रहा है, उसके विदिन 3 years, उसके पहले वाले 3 years में ही शुड हैव पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, ही शुड पोजेस वॉट एवर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड, जो हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं. दैट पर्सन शुड नॉट बी अ माइनर, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट या फिर एनी पर्सन हु इज एडजज्ड और एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, ये उसका क्वालिफिकेशन में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, उन्होंने बोला है कि दैट पर्सन शुड बी अ PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. अभी PRI में कौन सा डेफिनेशन देखना है, इनकम टैक्स का डेफिनेशन देखेंगे या फिर लॉ का डेफिनेशन देखेंगे. तो इन्होंने बोल रहे लॉ का डेफिनेशन देखना है. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको जाके फेमा में जो PRI का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है 182 डेज वाला, वो वाला डेफिनेशन के हिसाब से दिस पर्सन शुड बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. नेक्स्ट, आई एंड जे वाला बहुत ही जनरल पॉइंट है. आई के अंदर बोला हुआ है कि दैट पर्सन शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जहां पे उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 6 months, या फिर ही इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व्ड है एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस. मतलब अगर उसको जेल हो भी गई है, तो फिर जेल से जब भी वो बाहर निकला होगा, उसके बाद में देर शुड बी अ कूलिंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years एंड देन ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ वैल्यूअर. नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई पर्सन है, ये आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा हुआ है, अगर ऐसा कोई पर्सन है हु इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर 7 years और मोर, तो फिर वो परमानेंटली कभी भी दैट पर्सन कैनॉट बिकम अ वैल्यूअर. नेक्स्ट, ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271J की पेनल्टी लेवी हुई है, तो इवन दिस पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड हियर. एंड उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, चेक करो. पेनल्टी हैज बीन लेविड अंडर सो एंड सो सेक्शन एंड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द CIT appeals or ITAT as the case may be has expired or such penalty has been confirmed, final ho chuki ki penalty levy hone wali hai and 5 years has not elapsed after levy of such penalty. Matlab basically 5 years agar ho chuka hai after levy of penalty, so this person becomes eligible. Next point, he is a fit and proper person. Fit and proper person ko hum hamare language mein define kar sakte, is a person of integrity, reputation, knowledge, experience, etc. नेक्स्ट उन्होंने बोला है यहाँ पे, सेकंड वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, जाके चेक करो. फर्स्ट वाला पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ था अ पर्सन, अ सिंगल इंडिविजुअल का बात कर रहा है. नेक्स्ट, उसके बाद में चेक करो उन लोग सेकंड वाले पॉइंट के अंदर क्या बोल रहे हैं.
नो पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ, मतलब बेसिकली उन लोग बोल रहे हैं इवन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ कंपनी कैन बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अब यहाँ पर उन्होंने फाइव कंडीशंस दिए, चेक करो क्या फाइव कंडीशंस दिए हुए। सबसे पहली बात तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए सेटअप हुई है वो पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी, उसका मेन ऑब्जेक्ट शुड बी टू डू वैल्यूएशन, उसका मेन ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं होना चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्ट शुड बी टू डू वैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट, इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द फर्म और द कंपनी इज सॉल्वेंट। थर्ड उन लोग ने बोला है कि कोई भी पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऊपर वाले जो भी पॉइंट्स से स्पेसिफाई किए उन्होंने पॉइंट्स, ऊपर वाले कोई भी पॉइंट्स के अंदर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, मतलब वो लोग रेसिडेंट होने चाहिए, फिर दे शुड नॉट बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेट्रा। देन डी वाले पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला है एटलीस्ट थ्री और ऑल द पार्टनर्स विच एवर इज लोअर ऑफ द पार्टनरशिप एंटिटी और द कंपनी आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर सारे के सारे पार्टनर्स, अगर सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर्स है, दोनों ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स नहीं है और दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ वैल्यूअर, तो इन दैट केस द फर्म, द पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ इज नॉट एलिजिबल टू बी अ वैल्यूअर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने बोला है नन ऑफ इट्स पार्टनर्स इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इवन इफ दे हैव द क्वालिफिकेशन दे हैव नॉट गॉट देमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द एसेट क्लास फॉर द वैल्यूएशन फॉर विच इट सीक्स टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वापस से पढ़ो, नन ऑफ इट्स पार्टनर्स और डायरेक्टर्स एज द केस में बी इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द एसेट क्लास, जो क्लास ऑफ एसेट्स का उनको वैल्यूएशन करना है उन्होंने उस चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अगर ये पांच पॉइंट्स वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप एंटिटी या फिर कंपनी कैन नॉट एक्ट एज अ वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या पांच पॉइंट आ गए वहां पे? सबसे पहला उन्होंने बोला था कि उनका मेन ऑब्जेक्ट यही रहना चाहिए वैल्यूएशन वाला। सेकंड, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू नहीं होनी चाहिए। थर्ड, उन्होंने बोला जो भी पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ दिस एंटिटी शुड बी एलिजिबल एज पर द पॉइंट्स गिवन अबव, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, वो डायरेक्टर्स हो या फिर पार्टनर्स हो दे शुड बी पीआर है, दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेट्रा। देन उसके अंदर फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला थ्री और ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर, उन लोग ने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो एंटायर फॉर्म कैन नॉट एक्ट एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड लास्ट वाला, जो एसेट का उनको वैल्यूएशन करना है, जो एसेट क्लास का उनको वैल्यूएशन करना है, दे हैव नॉट येट रजिस्टर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। सो दिस वॉज बेसिकली द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नेक्स्ट वाला, थर्ड वाले पॉइंट के अंदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का बात किया है। बहुत सिंपल है ये, छोटा सा है रूल थ्री, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एन इंडिविजुअल शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल थ्री, नेमली। अभी चेक करो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन के अंदर जो अपन को याद रखना है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मतलब चेक करो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है विच इज रेलेवेंट फॉर दैट डिसिप्लिन और दैट फील्ड विच इज रेलेवेंट फॉर वैल्यूएशन। तो वो वाले स्पेसिफाइड डिसिप्लिन के अंदर दैट पर्सन शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर एंड एटलीस्ट थ्री इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। जिस भी पर्पज के लिए या फिर जिस भी फील्ड के लिए वो रजिस्टर हो रहा है वो फील्ड में उनका थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर क्या बोला, चेक करो, अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फॉर अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री नॉर्मल, ऊपर बोला था पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री एंड उसका वो वाले डिसिप्लिन के अंदर एटलीस्ट फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आप नोटिस करो ए एंड बी पॉइंट के बीच में और बोला, तो ऊपर वाला पोस्ट ग्रेजुएट रहा तो थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री रहा तो फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस, और वापस से और बोला और मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनएक्टेड फॉर द पर्पज। वो इंस्टीट्यूट क्यों बना है? फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन ऑफ अ प्रोफेशन विथ एटलीस्ट थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर सच मेंबरशिप एंड हैविंग क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट क्लॉज ए और बी। मतलब ए और बी में से तो कुछ एक चाहिए ही, एंड नेक्स्ट उन लोगों को चाहिए कि दैट पर्सन शुड बी अ मेंबरशिप। अगर आप फर्स्ट वाला पॉइंट फुलफिल कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, सेकेंड वाला फुलफिल कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप थर्ड वाला फुलफिल कर रहे हो, मतलब इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट विच इज फॉर्म्ड अंडर सम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड वहां पे इफ यू आर हैविंग थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग दैट मेंबरशिप, तो आपको खाली मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है, यू शुड हैव क्वालिफिकेशन आइदर पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी। लेकिन अगर आपके पास में खाली पॉइंट ए वाला है तो आपके पास आपको बी और सी का जरूरत नहीं है, खाली बी वाला है तो ए और सी का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर खाली सी वाला है तो सी भी चाहिए एंड देन ए या फिर बी, दोनों में से कोई एक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
रूल फोर पे चलते हैं. रूल फोर के अंदर क्या बोल रहे हैं वो लोग वहां पे, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अभी हमने जो पहले क्वालिफिकेशंस में देखा उसमें पॉइंट नंबर वन देखा दैट वाज फॉर इंडिविजुअल, फिर पॉइंट नंबर टू देखा दैट वाज फॉर अ कंपनी और अ पार्टनरशिप एंटिटी. चेक करो पॉइंट नंबर वन के अंदर क्या बोला, एन इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर रूल थ्री मे मेक एन एप्लीकेशन. जो भी अथॉरिटी है स्पेसिफाइड अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन फॉर्म ए, इन फॉर्म ए अलॉन्ग विद सम फीस ऑफ रूपीज 5000. ठीक है, सेकेंड वाला उन्होंने बोला पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी उन लोग एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन फॉर्म बी विद अगेन अ फी ऑफ रूपीज 10,000. ऊपर इंडिविजुअल था फीस ऑफ रूपीज 5,000, नीचे फॉर्म या फिर कंपनी आ गया फी हो गया ऑफ रूपीज 10,000. दोनों जगह पे आपको एक कॉमन चीज दिख रहा होगा, दिस इज अ नॉन रिफंडेबल फीस. नेक्स्ट थर्ड वाले पॉइंट के अंदर और क्या लिखा है चेक करो. एक बार अगर आपने आपका एप्लीकेशन कर दिया टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, अभी आपका फॉर्म पहुंच गया अथॉरिटी के पास में, नाउ इट इज अप टू द अथॉरिटी वेदर इट इज गोइंग टू ग्रांट यू द रजिस्ट्रेशन और नॉट. ठीक है, अभी चेक करो. द अथॉरिटी शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड मे ग्रांट 21 days टू द एप्लीकेंट टू रिमूव द डेफिशिएंसी इफ एनी इन द एप्लीकेशन. अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डेफिशिएंसी है तो वो हमें टाइम दे रहा है. कितना टाइम का टाइम दे रहा है, 21 days. अथॉरिटी इज गिविंग यू दिस टाइम. नेक्स्ट अगर कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए मुझे और 21 days का टाइम मिल रहा है. यहाँ पर अथॉरिटी में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू अपियर विद इन 21 days बिफोर द अथॉरिटी इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन. फर्स्ट वाला पॉइंट जो यहाँ पे ये वाले पेज पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसके अंदर उन्होंने बोल रहे थे अगर कुछ डेफिशिएंसी आएगा तो उसमें 21 days मिलेगा. सेकंड कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है तो विद इन 21 days कर सकते हो. नेक्स्ट उन्होंने बोला अगर अथॉरिटी को कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इन पर्सन दैट पर्सन कैन कम, द एप्लीकेंट कैन कम आइदर ऑन हिज ओन और ही कैन सेंड हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट इफ अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच स्क्रूटिनी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी दैट द एप्लीकेंट इज एलिजिबल कि उसको रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए, इट मे ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर सी करके दिख रहा होगा आपको विद इन 60 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन. लेकिन वो 60 days के अंदर हमें जो हमने बीच बीच में 21 days का टाइम दिया दैट इज टू बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, नेक्स्ट अगर सपोज ऑपोजिट केस हो गया ये वाले पॉइंट के अंदर तो अथॉरिटी वॉज सेटिस्फाइड, ये वाले पॉइंट के अंदर इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड कि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं ग्रांट होना चाहिए तो हम उसको कम्युनिकेट करेंगे द रीजन्स कि हमने ऐसा क्यों सोचा कि हम उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे. एंड दिस कम्युनिकेशन हैज टू बी डन विद इन 45 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग द टाइम गिवन अबाउ दैट इज 21 days का टाइम छोड़ के विद इन 45 days हमें उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि रजिस्ट्रेशन उसको ग्रांट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट द एप्लीकेंट शैल सबमिट एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई His or its application should be accepted within 15 days of receipt of communication under the above sub-rule. एक बार अगर मुझे ना बोल दिया उसके बाद में भी मुझे मौका मिलना चाहिए. कितने डेज का मौका मिलना चाहिए, 15 days का, बेसिकली ये प्रूव करने के लिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिल रहा. उसके बाद में जैसे ही मेरा फाइनल एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन वगैरह आता है तो अथॉरिटी विल टेक द फाइनल कॉल, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा. एंड जो भी उसका डिसीजन रहेगा वो कम्युनिकेट करेगा विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन. नेक्स्ट रूल 5 पे चलते हैं. रूल 5 इज वेरी सिंपल, कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन. चेक करो क्या लिखा हुआ है वहां पे, कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन. अभी आपको तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा. अभी आपने सपोज जिस टाइम पे एप्लीकेशन किया वो टाइम पे आपने सारे क्वालिफिकेशन सारे कंडीशंस वगैरह फुलफिल कर दिए, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी जनरल रूल कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन होल्ड करके रखना है तो इन दैट केस आपका जो भी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था दैट यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड. ऐसा नहीं कि एक बार हो गया उसके बाद में, एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद में यू फेल टू होल्ड द क्वालिफिकेशन. तो चेक करो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर रूल 6 शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द वैल्यूअर शैल एट ऑल टाइम पोजेस, अंडरलाइन करो वहां पे, एट ऑल टाइम पोजेस द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन. बी वाले के अंदर बोला है कि इट शुड कम्प्लाई विद ये जो भी कंपनीज एक्ट का जो भी प्रोविजन है, जो भी बायलॉज है, रूल्स रेगुलेशन है, एवरीथिंग शुड बी कम्प्लाइड. नेक्स्ट सी वाले पॉइंट के अंदर बोला हुआ है कि जो क्लास के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके अलावा दूसरे क्लास ऑफ एसेट्स का वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता. फिर उसके बाद में एक वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको अपना एड्रेस चेंज करवाना है, शिफ्ट करना है, तो उसको अथॉरिटी का पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. फिर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ग्रीवेंस वगैरह है, तो दैट शुड बी रिड्रेस्ड प्रॉपरली, इट शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डू द रिड्रेसल.
नेक्स्ट उसको जो भी उसने अब तक काम किया, जो भी असाइनमेंट ही इज अंडरटेकिंग, उसका रिकॉर्ड एटलीस्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर 3 ईयर्स. इट शुड कम्प्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट, जो वो ऑर्गेनाइजेशन का जैसे एथिक्स बोलता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसको कम्प्लाई करना पड़ेगा. फिर उसके बाद में पार्टनरशिप एंटिटी या फिर कंपनी अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है तो फिर खाली कौन वैल्यूएशन रिपोर्ट साइन कर सकता है, ओनली द पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म और द डायरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी उसके बिहाफ पे साइन कर सकता. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वहां पे चेक करो. इन केस अ पार्टनरशिप फर्म और कंपनी इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इट शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी कंसर्न द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉन्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंटिटी और द कंपनी बाय द पार्टनर और डायरेक्टर एज द केस में बी हु वुड साइन एंड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट वैल्यूएशन असाइनमेंट फॉर द कंपनी. बेसिकली उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि भाई जो पर्सन साइन कर रहा है उसका हमारे फर्म के अंदर या फिर हमारे कंपनी के अंदर क्या स्टैंडिंग है. नेक्स्ट अगर पार्टनरशिप एंटिटी है या फिर अगर कंपनी है तो पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. ठीक है, जो भी साइन कर रहा है वो लोग तो लायबल होने ही वाले हैं, अदरवाइज द अदर पार्टनर्स अदर डिफॉल्टिंग पार्टनर शैल ऑल्सो बी लायबल. नेक्स्ट इन केस ऑफ अ कंपनी, इफ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर देन द कंपनी शैल बी लायबल अलॉन्ग विद द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर. लायबिलिटी हमेशा ज्वाइंट एंड सेवरल ही रहने वाली है. नेक्स्ट अगर कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने कोई भी पार्टनर को निकाल रहा है तो वो पार्टनरशिप फर्म को अपने अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा कि ये पार्टनर हमारे फर्म से अभी बाहर जा चुका है, बिकॉज द पार्टनर वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. एंड लास्ट में उन्होंने एक सेक्टर टाइप का पॉइंट बोला, अगर अथॉरिटी ने कोई और कंडीशन फुलफिल किया तो इट हैज टू कम्प्लाई विद दोज कंडीशन ऑल्सो. नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन, कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन इज वेरी सिंपल. जब भी वो वैल्यूएशन कर रहा है तब उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? तो चेक करो यहाँ पे क्या बोला है. द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल वाइल कंडक्टिंग अ वैल्यूएशन कम्प्लाई विद द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एज पर सो एंड सो रूल प्रोवाइडेड दैट अंटिल द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, अभी तक हमारे यहाँ पे वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं हुए तब तक द वैल्यूअर शैल मेक वैल्यूएशन एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स. वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एडॉप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नीचे क्या लिखा हुआ है चेक करो नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पॉइंट आ रहा है. द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या कर सकता है, कहीं और से भी इनपुट्स ले सकता है कि वैल्यूएशन के टाइम पे और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. द रजिस्टर्ड वैल्यूअर में ऑब्टेन इनपुट्स फॉर हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट और गेट अ सेपरेट वैल्यूएशन फॉर एन एसेट क्लास कंडक्टेड फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन विच केस ही शैल फुल्ली डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ इनपुट्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द अदर. बेसिकली इट इज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, अगर उसको लगता है तो वो ये कर सकता है. नेक्स्ट द वैल्यूअर, उसको अपने रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सबसे पहले तो वो एसेट का वैल्यूएशन कर रहा है तो द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स. The valuer in his report shall state the following background information of the assets being valued, purpose of valuation, क्यों valuation कर रहे हैं, कहीं से शायद order वगैरह आया होगा या फिर कोई दूसरे act के अंदर requirement होगा इसके लिए valuation कर रहे हो. फिर the identity of the valuer and the other experts involved, अगर हमने किसी और का help लिया होगा तो. Disclosure of valuer interest or conflict, अगर उसका कुछ interest है तो disclose करो. फिर कौन से दिन पे अपॉइंट हुआ, valuation का date कौन से दिन पर है, मतलब valuation is to be done as on which date, then the date of report. Inspections and investigations undertaken, फिर कहाँ कहाँ से information आया, उसका source reliable है कि नहीं है, क्या procedures हम adopt कर रहे हैं while conducting the valuation. फिर उसके बाद में ये report कहाँ कहाँ पे use हो सकता है, अगर कोई restriction है कि this report cannot be used by so and so person तो वो disclose करो. फिर उसके बाद में conclusions लिखने का है etc. These are the points which are to be stated in the valuer's report. Next, temporary surrender. अभी यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है अगर उसको टेम्परेली अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना है तो वो कर सकता है. चेक करो, अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर में टेम्परेली सरेंडर इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद द बायलॉज और रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन सच सरेंडर द वैल्यूएशन वैल्यूअर शैल इन्फॉर्म द अथॉरिटी कि भाई मैंने टेम्परेली अपना सर्टिफिकेट को सरेंडर किया हुआ. फिर उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन है इट शैल इन्फॉर्म द अथॉरिटी इफ एनी वैल्यूअर मेंबर हैज टेम्परेली सरेंडर्ड हिज और इट्स मेंबरशिप और रिवाइव्ड द मेंबरशिप आफ्टर द सरेंडर नॉट लेटर देन, मतलब विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर सरेंडर और रिवाइवल. मतलब सबसे पहले तो कौन बताएगा, सबसे पहले तो वैल्यूअर खुद ही जाके अथॉरिटी को बताएगा, दूसरे अथॉरिटी को सेकंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विद होम ही इज रजिस्टर्ड एंड दोनों टाइम पे मिलेगा, एट द टाइम ऑफ सरेंडर भी एंड सरेंडर करने के बाद में जब मुझे वापस से रिवाइव करना है वो टाइम पे भी.
एंड हर जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसको अपने वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, जिसमें हम सर्च कर सकते हैं कि कौन से वैल्यूअर का अभी नॉर्मल वैल्यूएशन चल रहा है या फिर कौन सा वैल्यूअर हैज सरेंडर्ड हिज सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अ वैल्यूअर. फंक्शंस ऑफ अ वैल्यूअर इज वेरी सिंपल. उसका क्या काम रहेगा, नाम से ही समझता है ही इज अ वैल्यूअर, तो उसका काम विल बी टू डू वैल्यूएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. एलिजिबिलिटी किसका आ गया अभी, ऑफ वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. अभी इसमें से आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ही याद रखना है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने बात किया है, पहली बात, इट शुड बी अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 या फिर करस्पॉन्डिंगली आप बोल सकते हो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, फिर उसके बाद में इट शुड बी अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन ऑफ अ प्रोफेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही होना चाहिए कि इससे जो भी मेंबर्स बाहर निकल रहे, पहली बात तो इट शुड इम्पार्ट ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर्स. इससे जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो सब वैल्यूएशन से रिलेटिंग होने चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली यू कैन कम टू दिस पॉइंट. द ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन द अबाव सब रूल शैल बी रिकग्नाइज्ड इफ इट कंडक्ट्स, वहां पे आपके आरटीपी में मिस्टेक है, यहाँ पे कंडक्ट्स आना चाहिए, कंडक्ट्स एजुकेशनल कोर्सेज. इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पे मार्क करते जाओ, कंडक्ट्स एजुकेशनल कोर्सेज इन वैल्यूएशन. फिर उसके बाद में डिलीवर्स इन क्लासरूम और डिस्टेंस एजुकेशन ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है. फिर ग्रांट्स मेंबरशिप, किसको मेंबरशिप ग्रांट कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन, टू द वैल्यूअर्स और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू द इंडिविजुअल्स. फिर इट कंडक्ट्स ट्रेनिंग फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स, उनको सर्टिफिकेट देने से पहले, जैसे आपका आईसीआई जीएमसीएस वगैरह कंडक्ट करता है, सेम वे इन लोग भी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज गिवन टू देम. फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करेगा विच इज टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स. फिर उसके अंदर इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ मेंबर्स हु आर इट्स मेंबर्स. जैसे आपका आईसीआई सीपीई सेशन वगैरह रखता है, वैसे ये लोग भी जब मेंबर्स बनने के बाद में भी या फिर रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में भी, इट शुड हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड कंटिन्यूस एजुकेशन टू इट्स मेंबर्स. नेक्स्ट, इसी के अंदर मॉनिटर्स एंड रिव्यूज द फंक्शनिंग. ऑब्वियसली अगर उसके मेंबर्स है तो उसके बाद में वो ध्यान रखेगा कि उसके मेंबर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एंड जो भी ग्रीवेंसेज वगैरह आ रहे हैं, पब्लिक का आने दो या फिर अथॉरिटी का आने दो, इट हैज टू बी रिड्रेस्ड प्रॉपरली. नेक्स्ट वाला चेक करो, अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एन एंटिटी अंडर प्रोविजन टू सब रूल 1 शैल कन्वर्ट. अगर वो पहले कोई ट्रस्ट वगैरह के फॉर्म में था तो नाउ इट शुड कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स. मतलब ट्रांजिशन पीरियड दे दिया आपको, 1 साल तक चलेगा, जैसे ही रूल आपका कमेंस हुआ उसके 1 ईयर के एंड के बाद यू हैव टू गेट कन्वर्टेड, उतने टाइम के अंदर यू हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी. नेक्स्ट रूल नंबर 10 आ रहा है वहां पे. अभी रूल नंबर 10 बहुत सिंपल है, कंडीशंस ऑफ रिकग्निशन. अभी तक हम रिकग्निशन पढ़ रहे थे, किसको रिकग्निशन मिल रहा था, टू द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. अभी इसका भी रिकग्निशन कब तक वैलिड रहेगा, सपोज अगर रिकग्निशन मिलते टाइम इट कम्प्लाइड विद ऑल द कंडीशंस, लेटर ऑन इट वायलेटेड सम ऑफ द कंडीशन, तो क्या रिकग्निशन चलता रहेगा या फिर रिकग्निशन बंद हो जाएगा? तो ऑब्वियसली रिकग्निशन बंद हो जाएगा बिकॉज द कंडीशंस हैव टू बी कम्प्लाइड एट ऑल द टाइम्स. ये हमने वैल्यूअर के लिए भी पढ़ा था, सेम अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं, एट ऑल टाइम्स इट शुड कंटिन्यू टू सेटिस्फाई. नेक्स्ट, इट शुड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जो भी आज तक वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकले सारे मेंबर्स का मेंटेन रहना चाहिए. अच्छा, ये वही इंडिविजुअल्स को अपने मेंबर्स बोल के एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास में वो प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है. फिर उसके बाद में इसको अथॉरिटी को रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, ये तो आपका नॉर्मल कंप्लायंस हो गया. इट हैज टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शंस. डायरेक्शंस ऑब्वियसली कौन इश्यू करेगा, द डायरेक्शंस विल बी इश्यूड बाय द अथॉरिटी, इट हैज टू कम्प्लाई विद दैट. फिर इट हैज टू गेट रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद इन द कंपनी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था. इट शैल हैव अ प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इनकॉर्पोरेट इन इट्स बायलॉज द रिक्वायरमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड इन सो एंड सो एनेक्चर विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स. If it is an organization referred to in so and so rule and existing on the date of commencement of these rules, मतलब अगर ये पहले कोई दूसरे form के अंदर था तो पहली बात तो उसको convert करना पड़ेगा. Convert करने के बाद में उसको अपना पूरा structure, अपने पूरे bylaws, अपने पूरे rules and regulations incorporate करने पड़ेंगे. Next, उसको अपने website पे display करना पड़ेगा. क्या display करना पड़ेगा? उसको अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा द स्टेटस ऑफ ऑल द मेंबर्स और ऑल द वैल्यूअर्स
जो आज तक वहां से बाहर निकले हैं, उनका स्टेटस, मतलब सपोज अगर सम पर्सन का या फिर सम वैल्यूअर का स्टेटस इज एक्टिव, तो एक्टिव दिखाना पड़ेगा. अगर उसने टेम्परेरीली सरेंडर करके रखा है तो सरेंडर दिखाना पड़ेगा. तो दिस हैज टू बी पुट ऑन द वेबसाइट. अगर कोई मेंबर वॉज एंगेज इन सम मैल प्रैक्टिसेस, तो फिर उसके अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लिया, इवन दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. नेक्स्ट, कंप्लाई विद सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी. सो दीज वर द कंडीशंस विच इज एप्लीकेबल फॉर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिकग्निशन. अभी यहाँ पे वैल्यूअर का रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो एंड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का रिकग्निशन बोल सकते हो. दिस कैन बी कैंसल्ड और सस्पेंडेड. कैंसल्ड मतलब हमेशा के लिए, सस्पेंडेड मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. अगर उन्होंने कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी डायरेक्शन वगैरह कंप्लाई नहीं किया, बट दैट हैज टू बी डन ओनली आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, रूल नंबर 12, कंप्लेंट अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अभी इनके अगेंस्ट या तो वैल्यूअर इंडिविजुअल जो पर्सन है वो, या फिर फर्म या कंपनी, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट अगर आपको जाके कंप्लेंट फाइल करना है, तो दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर द अथॉरिटी. ठीक है, इन पर्सन खुद से जाके कर सकते हो, पोस्ट या कुरियर से कर सकते हो. नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा ऑफ रूपीज 1000 एंड उसके बाद में अथॉरिटी विल एग्जामिन कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है, एंड अगर प्रॉब्लम है तो दैट हैज टू बी रिजोल्व. ठीक है, सो नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी. नेक्स्ट, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स. तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करेगा. जब तक नहीं करता तब तक हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर रहे थे. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. अगर सपोज वेर अ पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, तो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर द पनिशमेंट गिवन इन द कंपनीज एक्ट एज पर सेक्शन 469 सबसेक्शन 3. अगर किसी ने भी कहीं पे भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह दिया, गलत रिपोर्ट वगैरह बना के दिया वैल्यूअर वगैरह ने, तो फिर ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 448. दो चीज है 448 के अंदर, या तो अगर इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, या तो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 448. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस वैल्यूएशन, यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि अमेंडमेंट रूल्स 2018 के अंदर क्या क्या चेंज किया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ट्रांजिशन प्रोविजन में जहां पे भी डेट 31 मार्च 2018 था, वहां पे उन्होंने वर्ड डाल दिया 30 सितंबर 2018. नेक्स्ट, 247 के अंदर अमेंडमेंट जो उन्होंने बोला था, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वो वाले का नहीं कर सकता जिसमें ही इज इंटरेस्टेड 3 ईयर्स प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज अ वैल्यूअर, या फिर आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर ही हैज डन द वैल्यूएशन. चेक करो यहाँ पे वर्डिंग, द वर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज वैल्यूअर और 3 ईयर्स आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वॉज कंडक्टेड बाय. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वैल्यूएशन रूल्स. इसको एक बार पढ़ लेना, काफी जनरल पॉइंट्स है इसके अंदर. बाकी जो सारे अमेंडमेंट्स है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 7 और मोर मेंबर्स द्वारा एक्सेट्रा. बाकी आपका सारा का सारा अमेंडमेंट्स फ्रॉम योर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडिंग योर आरटीपी का अमेंडमेंट्स, जो भी रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपको याद रखने हैं स्पेसिफिकली, दैट वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, अभी जो हमने पहले वाला अमेंडमेंट्स किया था पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसका नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे. ये वाला जो मैंने अभी वैल्यूएशन लिया, दीज नोट्स आर देयर इन योर आरटीपी, आरटीपी ओल्ड कोर्स वाले आरटीपी से यू कैन सी दिस. ओके, थैंक यू सो मच.